Assalamu alaikum everyone, I'm Swiral P. I'm the head of Volunteer Wing and Clinical Psychologist at SAI Global. And we have initiated a mental health program in our organization, SAI Global. और इसी की मेंटल सीरीज माइंड सीरीज के जो हमने स्टार्ट किया है उसमें हम लोग डिफरेंट इस प्रोग्राम के थ्रू पैनल डिस्कशंस लाइव सेशंस एंड वर्कशॉप्स कंडक्ट करवा रहे हैं और इसी प्रोग्राम के थ्रू हमने आज की डिस्कशन का भी कंडक्ट करवाई है और इस डिस्कशन को हमने इस डिस्कशन का जो बेसिक पर्पस है इस कंडक्ट करवाने का वो ये है कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस के रिलेटेड है ये डिस्कशन और इस डिस्कशन का जो टॉपिक है वो ये है कि साइको सोशल फैक्टर्स अफेक्टिंग द विक्टम्स ऑफ द ट्रैफिकिंग एंड द फैमिलीज। सो इसी टॉपिक की रेलिवेंस से आज हमारा पैनल भी यहाँ पर मौजूद है। दे आर एक्सपीरियंस्ड एंड दे हैव वर्क रिलेटेड टू ट्रैफिकिंग। सो मैं चाहूँगी कि मैं पैनल को करवाऊँ आपसे इंट्रोड्यूस। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं डॉक्टर नूरुज़्ज़मा रफीक को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। सो वी हैव डॉक्टर नूरुज़्ज़मा रफीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर नूरुज़्ज़मा रफीक हमारे साथ हैं। ही इज सीईओ ऑफ फोनिक्स फाउंडेशन एंड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड नीदी निसा सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन। डॉक्टर नूरुज़्ज़मा इज सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट कंसल्टेंट। ही इज आल्सो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। और इसी के साथ हमारे साथ मिस फायजा सफदर मौजूद हैं। मिस फायजा सफदर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस फायजा सफदर हमारे साथ हैं एंड शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर एट सेंटर फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। शी इज वर्किंग इन सेंटर फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम लास्ट 13 इयर्स एंड हर पीएचडी ऑन वुमेन ट्रैफिकिंग। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद जो हमारे थर्ड पैनलिस्ट हैं वो है डॉक्टर फरहान नवीद यूसुफ। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फरहान इज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी एंड एट इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। ही डिड हिज पीएचडी इन सोशियोलॉजी फ्रॉम यूएसए एंड ही हैज रिसर्च इंटरेस्ट इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इन्होंने डिफरेंट आर्टिकल्स भी पब्लिश करवाए हैं रिलेटेड टू ट्रैफिकिंग। और डॉक्टर फरहान नवीद हैव को-ऑथर्ड बुक एंटाइटल्ड विद ह्यूमन ट्रैफिकिंग ट्रेड फॉर सेक्स लेबर एंड ऑर्गन्स। और इसी तरह ये हमारे साथ पैनलिस्ट हैं और मैं चाहूँगी कि मैं प्रॉपरली इस डिस्कशन का स्टार्ट करूँ। और सबसे पहले तो मैं इनसे परमिशन लेना चाहूँगी कि क्या मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर सकती हूँ और हम ये डिस्कशन स्टार्ट कर सकती हूँ। मेरा सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन करूँगी वो है डॉक्टर नूरुज़्ज़मा रफीक से। और मैं इनसे जानना चाहूँगी क्योंकि इनका जो है इस पर एक्सपीरियंस भी है और ये क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को तो हम सबको एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है हमारा, लेकिन इनके नज़दीक ये क्या समझते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मुराद क्या है? जी थैंक यू वेरी मच जी आज ये अपॉर्चुनिटी देने का और ख़ास तौर पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे के हवाले से ये अपॉर्चुनिटी देने का। मेन चीज़ जो आ जाती है हमारे जब हम ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो इसमें हमें पहले तो इसको ये देखना है कि ट्रैफिकिंग व्हाट टाइप ऑफ ट्रैफिकिंग। वन इज़ यू नो इंट्रा कंट्री, जो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के काम करने के लिए बच्चों की ट्रैफिकिंग हो रही होती है और इसी तरीके से फिर औरतों की ट्रैफिकिंग भी हो रही होती है। फिर जो पूरर एरिया हैं वहाँ से मेन सिटीज़ जो हैं वहाँ पे भी ट्रैफिकिंग हो रही होती है, सो ऑन सो फोर्थ। और इसी तरीके से ये यानी फिर अल्टीमेटली जो है कुछ डोमेस्टिक लेबर पे चले जाते हैं, बॉन्डेड लेबर पे चले जाते हैं और इस तरीके से। दूसरी तरफ है इंटर कंट्री, दैट इज़ बिटवीन पाकिस्तान
एंड अदर कंट्रीज, जिसमें खास तौर पे बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि इलीगली माइग्रेट करना चाहते हैं। हम लोग एक काम कर रहे हैं आजकल, पर्टिकुलरली फेडरल गवर्नमेंट का जो एक प्रोजेक्ट है ट्रैफिकिंग के हवाले से, उसमें माइग्रेंट जो यहाँ से जाते हैं इलीगल माइग्रेंट, डोंकेज के हवाले से हम अगर बात करें तो उसके हवाले से बहुत सारे लोग जो वहाँ पे जाते हैं और फिर डिपोर्ट होते हैं, और उसके हवाले से एक अवेयरनेस का प्रोजेक्ट है जो कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर जो है वो इस वक्त वो कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो उसमें हम लोग यही कर रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं कि लीगल तरीकों से भी जाने का तरीका है, नॉट ओनली थ्रू द इलीगल वे। तो ट्रैफिकिंग मीन्स ऑल दोस पीपल हु आर गोइंग बाय देमसेल्फ और थ्रू एनी अनफेयर मीन, तो या उनको कोई पुश करता है इस हवाले से। यही क्वेश्चन मैं डॉक्टर फरहान से भी पूछना चाहूँगी कि उनके नज़दीक, क्योंकि उन्होंने इस पर रिसर्च भी कंडक्ट करवाई है और उनके आर्टिकल भी उसमें है और बुक भी है, तो वो क्या समझते हैं कि इससे क्या होगा? जब हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं या ट्रैफिकिंग इन पर्संस की, तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिनन है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बात की कि इसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तो मैंने अपनी रिसर्च में जो है कोशिश की कि बजाय एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन देने की, तो एक जो सिंपल डेफिनेशन जो मैं जो है अपनी रिसर्च में जो मैंने यूज़ की है वो ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सो इट्स एन एंटरप्राइज इन विच ह्यूमन बींग्स आर यूज्ड एज द कमोडिटी। ठीक है कि ये ऐसा एक बिजनेस है कि जिसमें जो है इंसानों को जो है हम लोग कमोडिटी के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कोशिश की कि इसको थोड़े से आसान अल्फाज में, तो मेरे नज़दीक जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये है कोई भी ऐसा बिजनेस कि जिससे दूसरे लोग जो है नफ़ा उठा रहे हों और उसके नतीजे में जो है जो विक्टम्स जो हैं उनको एक्सप्लॉइट जो है वो किया जा रहा हो, उनको एज ए कमोडिटी, जो उनको इंसान के तौर पर नहीं बल्कि एक कमोडिटी के तौर पर जो है वो यूज़ किया जा रहा हो। तो इसकी टाइप्स में मतलब वेरिएशन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, मतलब जब जैसे कि डॉक्टर नूरुल हमा ने बताया कि इसकी टाइप्स इसके अलावा भी कोई हैं या यही है इसकी टाइप्स? जी बिल्कुल, एक तो डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि उसमें से इंटरनल ट्रैफिकिंग है कि जो विद इन कंट्री है। ठीक है, जैसे जैसे पाकिस्तान में हम लोग बात करते हैं तो डिफरेंट प्रोविंसेस से हमें नज़र आता है कि जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब है या पंजाब से सिंध में जो हैं लोग जो हैं वो, तो ये इंटरनल ट्रैफिकिंग है। दूसरी है क्रॉस बॉर्डर्स के, जिस तरह से अफगानिस्तान से जो है लोगों को ट्रैफिक करके पाकिस्तान ले आया जाता है, पाकिस्तान से लोगों को ट्रैफिक करके जो है मिडल ईस्ट लेके जाया जाता है यूरोप में या दूसरी जगहों पे। दूसरा हम लोग ट्रैफिकिंग की बात करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, तो उस हवाले से भी हम लोग ट्रैफिकिंग को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो उसमें जो हमें मेन उसकी फॉर्म्स नज़र आती हैं, जो कि उसकी सब फॉर्म्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन तीन उसकी मेन कैटेगरीज हमें जो हैं वो मिलती हैं अगर हम लोग यूनाइटेड नेशंस का जो प्रोटोकॉल है ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर उसकी बात करें, तो उसमें जो फर्स्ट इसकी जो टाइप है वो ट्रैफिकिंग फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, जिसको सेक्स ट्रैफिकिंग भी कहा जाता है। इस टाइप की जो ट्रैफिकिंग है उसमें ज़्यादातर जो खवातीन हैं या बच्चियाँ हैं वो विक्टम होती हैं और उनको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो है वो ट्रैफिक किया जाता है। दूसरी जो है वो टाइप जो हमें नज़र आती है वो लेबर ट्रैफिकिंग है, कि जिसमें ये फोर्स लेबर जो है वो हमें मिलती है। और इसकी जब हम बात करें तो अगेन अगर जेंडर पर्सपेक्टिव के हवाले से बात करें, इसमें हमें ज़्यादा जो मेल्स हैं वो नज़र आते हैं कि दे आर जो मेजॉरिटी, इनको जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है। तीसरी एक जो फॉर्म है कि जिस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती, ठीक है, और पाकिस्तान में भी दोस्त जो है वो ट्रैफिकिंग तो है बट उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में नहीं काउंट किया जाता, बट एक्चुअली डेट इज़ पार्ट ऑफ द ट्रैफिकिंग, और वो है ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्गन रिमूवल, इस वक्त जो है ह्यूमन जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्गन रिमूवल। ज़्यादातर जो हमें इसमें केसेस मिलते हैं पाकिस्तान में और बाकी जगहों में, तो वो किडनीज फॉर एग्जांपल हमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट केसेस मिलते हैं कि लोगों को जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है, समटाइम जो है उनको जो है वो मार दिया जाता है।
और उनके फिर जो है वो मुर्दे जो है वो निकाल लिए जाते हैं। तो ब्रॉडली अब इसकी सब टाइप भी है, लेकिन ये तीन हमें मेन टाइम नजर आती है, सेक्स ट्रैफिकिंग, लेबर ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गन ट्रैफिकिंग। तो जैसे आपने अभी मुझे बहुत अच्छे तरीके से और इतना ओपनली मतलब आप डिस्कस करती हैं इसके टाइप्स और वो इजीली अंडरस्टैंडेबल भी हैं, तो ये सारा कुछ जबकि हम देखते हैं कि ये टाइप्स हैं ट्रैफिकिंग की, इसके अलावा आप तीनों माशाल्लाह तीनों का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है और आप लोगों ने ये चीज़ें जब आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि रीजंस क्या हैं इस ट्रैफिकिंग की, मतलब अगर हर लेवल पे ट्रैफिकिंग हो रही है तो इसके मेजर रीजंस क्या हैं, मैं ये क्वेश्चन तीनों आप तीनों से जानना चाहूँगी। तो पहले मैं मिस फाइजा से चाहूँगी कि वो इसका आंसर दे दें। जी बिल्कुल, जैसे डॉक्टर नूर डॉक्टर फरहान ने बहुत अच्छा डेफिनेशन को बताया है, समझाया मीनिंग को। रीजन जो हैं इसकी बहुत ही वेरिड हैं। अब दो जो मेजर टाइप्स हैं जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रैफिकिंग, दोनों के रीजंस जो हैं जो मेन रीजंस हैं वो इसकी टाइप्स के अकॉर्डिंग भी वेरी करती हैं। अक्रॉस बॉर्डर की बात करें जिनको के हम एक्सटर्नल ट्रैफिकिंग कहते हैं, तो उसकी जो मेन रीज़न आ जाती हैं वो बेसिकली तो फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पजेज, बेटर लिविंग और अपने किसी बेनिफिट के लिए जो इंडिविजुअल है वो हेल्प सीक करता है। यहाँ पर जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है ट्रैफिकिंग में, दैट इज़ मैनिपुलेशन, यानी कि फॉल्स प्रोमिस करके उनको क्रॉस बॉर्डर लेकर जाया जाता है। और मेन रीज़न जैसे मेरी रिसर्च क्योंकि पाकिस्तान में ही है डिफरेंट सिटीज़ में, मेन रीज़न इज़ लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड पॉवर्टी। लैक ऑफ रिसोर्सेज और पॉवर्टी की वजह से वो बेटर रिसोर्सेज की जो है ना वो सर्च करते हैं, और वो बेटर सोर्सेज को सर्च करते हुए जो है वो फ्रॉड और मैनिपुलेशन का जो है वो शिकार हो जाते हैं, वो उसका विक्टिम बन जाते हैं। बेटर सोर्सेज में पॉवर्टी के अलावा जो है वो लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि और डिफरेंट कैसे तरीकों से वो अपनी लिविंगहुड को बेटर कर सकते हैं या एम्प्लॉयमेंट चांसेस जो हैं वो बढ़ा सकते हैं। तो जिसकी वजह से मैं ये समझती हूँ, जो मैंने भी फैक्टर अपनी रिसर्च में भी देखा, वो मेनली दे आर पॉवर्टी, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने एक जॉब से दूसरी जॉब पर स्विच किया, तो जिसकी वजह से मैनिपुलेशन हुई और फिर उनको ट्रैफिक कर दिया गया। अब इंटरनल ट्रैफिकिंग में रीजंस लैक ऑफ रिसोर्सेज के अलावा डिफरेंट रीजंस हैं। यहाँ पे जो है लोगों की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि जो बॉन्डिंग है रिलेशनशिप की वो डिफरेंट है। लाइक जो मेरी जो रिसर्च है वो वीमेन पे है, तो वीमेन बेसिकली डिपेंडेंट होती हैं ज़्यादातर इन मोस्ट ऑफ द केसेज मैन पे, फाइनेंशियल नीड्स के लिए और डिफरेंट अदर नीड्स के लिए। तो जिसकी वजह से वो डिपेंडेंट होने की वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा कंप्लाई करती हैं, और इसका मतलब ये है कि जिस तरह से उन्हें करने को कहा जाता है वो फिर वैसे ही करती हैं। मैंने इस रिसर्च में क्योंकि पाकिस्तान से डेटा लिया और मेरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट मैंने इसमें देखे हैं, तो उसमें जब वो इतनी डिपेंडेंट होती हैं तो जो उनके क्लोज रिलेशन होते हैं, मतलब दे कैन बी द फैमिली मेम्बर्स, इन द वर्स्ट सिनेरियोज जो मैंने आइडेंटिफाई किया दे आर हस्बैंड्स, दे आर फादर्स, और उसके अलावा ये कि क्लोज एक्सटेंडेड फैमिलीज वाले रिलेटिव जैसे अंकल हैं, तो वो सब इन्वॉल्व हैं इस मैनिपुलेशन में। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रस्ट का जो एलिमेंट, जैसे मैंने कहा है कि मैनिपुलेशन इसका एक मेजर फैक्टर है ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन में, तो ट्रस्ट एक मेजर एलिमेंट है। तो हस्बैंड फादर्स या क्लोज एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उन पे एक फीमेल जो है, क्योंकि मेरी रिसर्च जो है वो विमेन पे है, तो जो फीमेल है वो उन पे डिपेंडेंट भी होती हैं और सॉर्ट ऑफ उन पे रिलाय भी कर रही होती हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये जो रिलेशंस हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और हम उन पे बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं जो फीमेल्स होती हैं। तो जिसकी वजह से मैंने जो उनमें देखा तो उनमें यही चीज़ें थी कि ये जो ट्रस्ट था उसका उसकी उसकी मैनिपुलेशन थी। प्लस जैसे मैं कह रही हूँ कि ये जो रिलेशनशिप्स हैं इन पे हम इस तरह से डिपेंड करते हैं कि जो करने को कहा जाता है वो हम फिर फॉलो करते हैं और उसी तरह से करते हैं। जैसे मैं हस्बैंड या फादर का कह रही हूँ, तो इसमें बेसिकली जो हाईएस्ट फॉर्म है, जैसे डॉक्टर फरहान ने हाईलाइट किया है, सेक्स ट्रैफिकिंग इज द मेजर और या मेन कैटेगरी, और विमेन को जहाँ फ्रेजाइल समझा जाता है वहाँ पे उसको कमांड करना
जो है ना वो थोड़ा सा इजी भी समझा जाता है और उसको इजीली कमांड कर लिया जाता है इस डिपेंडेंसी होने की वजह से। तो जिसकी वजह से भी उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है, और जब इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है तो देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो मैंने देखे थे, उनकी अपनी पर्सनैलिटी फैक्टर्स में, उनकी कोपिंग एबिलिटी, उनकी पर्सनैलिटी के डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रेट्स होते हैं, वो कितनी ज्यादा जो है वो ट्रस्ट दूसरों पे इजीली कर लेती हैं, कितनी ज्यादा उनमें ऐसी ट्रेट हैं कि वो बहुत ज्यादा फियर उनमें बहुत ज्यादा है, तो वो उतना ही इजीली जिसको कहते हैं ट्रैप हो सकती हैं। और इसके अलावा ये कि जब ये जो जब मैनिपुलेशन की बात आती है तो फिर उस मैनिपुलेशन की वजह से जो मेन कैटेगरी है सेक्स वर्क, क्योंकि फीमेल्स के साथ ये चीज बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है, क्योंकि उनको इस चीज के लिए भी यूज किया जा सकता है नेगेटिव उसमें। और जब मैंने कहा बाकी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो एक मेजर फैक्टर जो मैंने आइडेंटिफाई किया है पर्सनैलिटी फैक्टर्स के अलावा, कोपिंग एबिलिटीज के अलावा, देर इज अ सोशल सपोर्ट सिस्टम, बिकॉज जो उनके जो लोग उनको मैनिपुलेट करने वाले हैं दे नो वेरी वेल, वो पहले पता लगाते हैं कि इनका सपोर्ट सिस्टम है कैसा। तो एक मेजर रीजन समझ रहे हैं या फैक्टर समझ रहे हैं हमारे इस इंटरनल लेवल पे, वो सोशल सपोर्ट का भी है, बिकॉज दे नो कि सेक्स के साथ जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है, वंस अ गर्ल और विमेन एंटर इन सेक्स बिजनेस, तो फिर उसके जो सोशल सर्कल में लोग हैं स्टिग्मा की वजह से वो उसे डिसंगेज हो जाते हैं, और उसी स्टिग्मा एसोसिएटेड होने की वजह से वो उसको वो वर्थ नहीं देते। तो जो लोग मैनिपुलेट कर रहे होते हैं उन्हें ये सारा नॉलेज होता है कि अगर हम इस तरह से इनको यूज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, तो उनके पास हमारी सपोर्ट के अलावा देर इज नो वे आउट वाली बात है, कि उनके पास कोई और चैनल नहीं है जिससे वो हेल्प सीक कर सके। तो जो स्टिग्मा सेक्स के साथ ओवरऑल एसोसिएटेड है, क्योंकि ट्रैफिकिंग का जो मेजर रीजन विमेन में होने का है, वो एक उनका एज ए सेक्स वर्क जो है ना, एज ए सेक्स वर्कर उनको यूज करना, तो वो एक बड़ा बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जिसके साथ ये वाला जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है वो भी मैंने आइडेंटिफाई किया, कि उस स्टिग्मा की वजह से भी वो जो है सिर्फ उस एक बात के लिए मैनिपुलेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता हेल्प सीक करने का, सपोर्ट सीक करने का। उनकी जो फैमिलीज होती हैं वो फिर उनको छोड़ देती हैं, और वो फिर ट्रैफिकर्स के ही ट्रैप में रहती हैं, और दे आर बाउंड टू डू जो उनसे फिर कहा जाता है। जी जी सुमेरा हाँ जी डॉक्टर साहब, आपकी बात को अगर मैं आगे बढ़ा दूं थोड़ा सा, डॉक्टर फरहान मेरी आवाज आ रही है आपको? आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गई, डिस्कनेक्ट हो गए, तो हम मेरा ख्याल है इसको कंटिन्यू करते हैं जो बात कर रही थी डॉक्टर फायजा। एग्जैक्टली डॉक्टर फायजा ने बिल्कुल सही कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम द रीजन बिहाइंड इज के वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन और इंसेस्ट बिहेवियर। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ये बात सही कही कि हम मार खाते हैं, अगर हम फीमेल्स की बात करें तो ज्यादातर वीमेन जो है ना वो अपनी इंसेस्ट बिहेवियर जो है, इंसेस्ट रिलेशनशिप जो है, जो आपके वो एक सो चाचा ताया और ये सारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो ज्यादा उनको परेशान करते हैं। और उसी की वजह से अभी आप देखिए कि हम लोग काम कर रहे थे, डॉक्टर फायजा आई थिंक शी वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ दैट आईसीपी में बहुत पहले हमने किया ये एचआईवी एड्स के हवाले से, तो सेक्स वर्कर्स के साथ जो लाहौर की सेक्स वर्कर्स हैं, अब मेजॉरिटी ऐसी थी जिनको के वहां पे उनके जानने वालों ने लाहौर में जो है किसी ना किसी जॉब के बहाने से भेजा, और उसके बाद वो उस सारे काम में आ गई कि दे एंटर इनटू द सेक्स इंडस्ट्री, और यहाँ पे वो सेक्स वर्कर्स के तौर पे जो है वो यहाँ पे वो लोग जो है अपना उनको इस्तेमाल करते रहे। इसी तरीके से हम दूसरी बात करेंगे बच्चों के मामले की, कि बच्चे भी जो हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जो है ज्यादातर वो पॉवर्टी की वजह से उनको जो है लोग लेके आते हैं, और उसके बाद उनको साल साल के लिए यानी उनके लिए पैसे लेके जाते हैं घर से कि जी 1 साल के लिए हम नहीं दोबारा आ रहे, आप बच्चे के साथ जो मर्जी सलूक करें। ये आप भी देख चुके, हम भी देख चुके, कोर्ट्स में जो है उनके केसेस चले और सामने आया कि बहुत बड़े बड़े लोग जो है यानी आई एम टॉकिंग अबाउट
देयर डेजिग्नेशंस जिन्होंने ऐसी चीजें की। तो ये यहाँ पे पाकिस्तान में जो है इसी तरीके से थर्ड कैटेगरी आ गई। तीसरी जो कैटेगरी थी सर वो थी अपना जो आपने जिस तरीके से बात की कि यहाँ से लोगों को लेके जाते हैं, शादी करते हैं पाकिस्तान में कि जी हम पाकिस्तान से किसी लड़की को लेके जाना चाहते हैं दुल्हन बना के, और जब वो दुल्हन बना के वहां ले जाते हैं तो उसको भी वो जो है सेक्स इंडस्ट्री में डाल देते हैं। पाकिस्तान के ये बहुत ज्यादा डायरेमा है कि अगर ट्रैफिकिंग के हवाले से ये देखें तो ये तीन चीजें जो है ना ये बिल्कुल यहाँ पे नजर आती हैं ख्वातीन के हवाले से। लड़कों का और मर्दों का जो ज्यादातर यहाँ पे सिलसिला है वो तो मैंने ये देखा है कि पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ सेंट्रल और अपर पंजाब से जो लोग जा रहे वाले हैं, आपने भी उसको डेटा को देखा होगा कि हर साल जो है वो तकरीबन यहाँ से पाकिस्तान से मैं वो डेटा देख रहा था पाकिस्तान का 15,000 से 20,000 लोग जो है वो माइग्रेट करते हैं इलीगली, यानी ट्रैफिकिंग होती है उनकी ईरान के रास्ते से। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि अजरबैजान के बारे में एक आया कि लोगों को यहाँ से अजरबैजान ले जाएंगे और वहां से उनको दूसरी जगहों पे जो है वो भेजा जाएगा अपना, यानी ट्रैफिक किया जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जो कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा नजर आ रही है। मेरा ख्याल है क्योंकि मतलब सुमेरा सभा का माइक जो है ना उसमें उनके कुछ वो ड्रॉप हो गए, तो अब डॉक्टर फरहान आप फरहान आप आगे ले चलिए चीजों को प्लीज। थैंक यू जी। थैंक यू सर। तो मैं आपकी और डॉक्टर साहिबा की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो डिस्कशन हम लोग कर रहे थे कि जी क्या फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से जो है वो ट्रैफिकिंग होती है। तो जब हम लोग फैक्टर्स की बात करते हैं तो मेरे नज़दीक सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये जो वो डाइवर्स फैक्टर्स हैं, डाइवर्स सिचुएशंस में डाइवर्स फैक्टर्स का इंटरप्ले होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कहें कि ये 4-5 फैक्टर्स हैं और यही हर केस में, ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ, एक तो ये है कि ट्रैफिकिंग की टाइप हमें नज़र आएगी और उसके पीछे मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं वो सोशो कल्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं हमें नज़र आएंगे कि वो किस तरह से उनका इंटरप्ले जो है हो रहा होता है। तो मैंने जिस तरह से पहले बात की कि मेरे नज़दीक ट्रैफिकिंग जो है वो एक बिजनेस है जिसमें ह्यूमन बींग को एज ए कमोडिटी यूज किया जाता है। तो अगर इसी डेफिनेशन को हम लोग लेके चलें, मॉडल होता है कि आप कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसका कॉस्ट बेनिफिट जो है वो एनालिसिस करते हैं। इसी तरह से जिस वक्त हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो है ये प्रोसेस रैंडमली नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हर शख्स जो है वो इक्वली वल्नरेबल हो ट्रैफिकिंग की, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है, ट्रैफिकर्स पहले जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं वल्नरेबल पॉपुलेशन, जहाँ पर उनको पता है कि ये वो लोग हैं जिनको ट्रैप करना ईजी है और जहाँ पे रिस्क जो है वो मिनिमल है। ठीक है, तो अब वो जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो क्या है, कौन से लोग ज़्यादा जो हैं वो वल्नरेबल हैं, उसमें बिल्कुल जैसे पहले बात की है पैनलिस्ट ने कि जी उसमें से पॉवर्टी, यस पॉवर्टी उसमें से है, लेकिन उसके अलावा बहुत से हमें जो है प्रोमिनेंट फैक्टर जो पॉवर्टी के साथ मिलकर जो है वो वल्नरेबिलिटीज क्रिएट करते हैं, जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। फैजा ने इस पर जो है वो छोटी सी बात, ठीक है, कि क्यों जो है वो खवातीन जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, क्यों जो है हमें बच्चे जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल। तो इट मीन्स कि ये वल्नरेबिलिटीज जो हैं दे आर लिंक विद जेंडर, दीज वल्नरेबिलिटीज आर आल्सो लिंक विद एज। ठीक है ना, इसमें बच्चे और यंग लोग जो हैं दे आर मोर वल्नरेबल एज कम्पेयर टू ओल्ड एज पीपल। ठीक है, फिर एक और चीज़ जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जिसमें मेरा अपना भी थोड़ा सा काम है, कि जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है वो बहुत जो है इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। एक ऐसा एरिया कि जहाँ पर आपको वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आए, ठीक है, जिस तरह से व्हाट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान या इंडिया में आप देखें, जहाँ पर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है फिर वहाँ पर ऑब्वियसली क्या होगा, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग उस एरिए से जो है वो निकलना चाहते हैं किसी भी सूरत में। बाज़ दफ़ा फिर वो क्या है, वो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बात की कि वो जो है इलीगल मीन्स जो है वो फिर वहाँ पे उनकी कोशिश होती है कि यहाँ से किसी तरह से अपनी जान बचा के जो है वो निकला जाए, तो ट्रैफिकर्स फिर जो है वो उनके लिए ईजी प्ले जो है ये लोग बन जाते हैं। इसी तरह से फिर अगर आप देखें तो ये चाइल्ड सोल्जर्स जो हैं कि जो कौन है वहाँ पर बच्चों को जो है वो किडनैप करके लेके जाया जाता है और उनको फिर सोल्जर्स जो है वहाँ पर जो है वो यूज़ किया जाता है।
ठीक है, फिर जिस वक्त वार वगैरह होती हैं, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो अपनी फैमिली से, खवातीन जो हैं वो अपनी फैमिली से अलग हो जाती हैं, फैमिली जो हैं वहाँ पर जो फैमिली मेम्बर्स हैं की भी उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। फिर इस तरह के जो लोग हैं वो जो ट्रैफिकर हैं उनका जो है वो प्राइम टारगेट जो है वो बन जाते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो अगर हम बात करें तो डॉक्टर साहब ने उसका इशारा किया थोड़ा सा कि बाज़ दफ़ा लोग जो हैं वो चाहते हैं कि भी अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव जो है वो किया जाए, तो उसके बाद लोग शादियाँ करके जो हैं वहाँ पर जो है करते हैं, बाज़ दफ़ा जो है उनको जो है अच्छी जॉब के लिए जो है वो थोड़ा सा लालच देख जो है ट्रैप जो है वो किया जाता है, बाज़ दफ़ा किडनैप जो है कुछ केसेस में जो है वो किया जाता है। इसके साथ साथ तो अगर आप देखें तो एक और जो हमें फैक्टर नज़र आता है वो डिसेबिलिटी का है, ठीक है, कि वो लोग जो डिसेबल हैं कि जिनका जो है वो ट्रैफिकर को पता है कि ये वो लोग हैं जो अपने राइट्स के लिए जो है उस तरह से जो है फाइट नहीं कर सकते, ठीक है, ये वल्नरेबल हैं, डिपेंडेंट हैं दूसरे पे, वो भी बहुत ज़्यादा प्रे बनते हैं ट्रैफिकर का। और स्पेशली अगर आप देखें तो हमें एक और जो ट्रैफिकिंग की फॉर्म नज़र आती है जो पाकिस्तान में भी प्रोमिनेंट है, जो बैगरी है, ठीक है, कि बहुत ऐसे लोगों को जो है जो फिज़िकली या मेंटली जो है वो डिसेबल हों तो उनको ट्रैफिक किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ बैगिंग, तो उनसे फिर जो है वो बीच जो है वो मंगवाई जो है वो जाती है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत से जो हैं वो डाइवर्स फैक्टर्स हैं, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट सिचुएशंस में हमें नज़र आएगा कि जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो प्रोमिनेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। ठीक है, तो मतलब जिस तरह से आप लोगों ने आपने मुझे आंसर दिया है और जो मुझे रीजन समझ आई हैं इसमें, मतलब अगर हम ये देखें तो इसमें कोई स्पेसिफिक तबका है हमारा, कोई स्पेसिफिक टाइप के लोग हैं जो ट्रैफिकिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब जैसे कि मिस फैज़ा ने वुमेन की बात की है और या पॉवर्टी है, तो क्या इसके अलावा और भी कोई लोग हैं या स्पेसिफिक जो तबका है जो इस ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो जाता है या उसको इन्वॉल्व किया जाता है? ज्योग्राफिकली पूछ रही हैं आप, ज्योग्राफिकल एरियाज की बात कर रही हैं? देखिए एक सिंपल सा, यानी अगर हम पाकिस्तान की वैसे सिचुएशन जो देखें हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है ये पर्टिकुलरली जो एरियाज हैं पोठोहार रीजन के, यानी मैं ये पहाड़ी इलाका जितना है उसकी बात कर रहा हूँ, पोठोहार रीजन के लोग जो है वो बड़ी जल्दी इनके प्रे बनते हैं। जैसे अभी डॉक्टर फरहान कह रहे थे कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि वो सिर्फ इसलिए प्रे बन जाते हैं कि दे डोंट हैव अदर मीन्स, मे बी कि उनके पास ये है कि या तो वो कहते हैं कि ठीक है बाहर पहुंच गए तो ठीक है, नहीं पहुंचे तो ठीक है जिंदा रहे ना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत सारे, अच्छा ये पूरी एक बेल्ट है अगर मैं इसकी बात करूं, स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरांवाला, डस्का, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन ऑनवर्ड, जहाँ ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैनी अदर सिटीज। अगर हम इसी तरीके से सिंध में चंद एरियाज की बात करें तो सिंध में मुझे ये खास तौर पे नज़र आया जो एरियाज ये बदीन वगैरह के एरिया में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ नज़र आई कि लोग वहाँ से बहुत ज़्यादा जाते हैं। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, बलूचिस्तान वालों के लिए तो ईरान जो है वो आते जाते हैं, अफगानिस्तान आते जाते हैं, वहाँ पर कुछ और तरह के सिलसिले हैं। लेकिन अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो ये चंद एक एरियाज हैं जहाँ से सबसे डिपोर्ट्स होते हैं। और अगर आप ओवरऑल अगर इनके जो क्या नाम है जो ह्यूमन स्मगलिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी भी ज़्यादा तादाद जो है वो इसी एरिया से बनती है जो मैंने अभी पहले बात की, तो वहाँ से कुछ ज़्यादा लोग होते हैं। तो ज्योग्राफिकली ये चंद एक एरिया है जो कि मेरे सामने, आई डोंट नो डॉक्टर फैज़ा को भी इसके बारे में पता होगा, इसके अलावा भी, और डॉक्टर फरहान को भी पता होगा। जी सर, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपका, नो डाउट, बेशक हमने पीएचडी में रिसर्च की है लेकिन मैं समझती हूँ मेरी रिसर्च का स्टार्ट भी सॉर्ट ऑफ आपसे था, एरियाज को टैप करने में आपकी हेल्प मेरे साथ रही थी, प्लस आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है इस फील्ड में। लेकिन मेरे पास जब ज़ाहिर रिसर्च करते हैं एम्पिरिकल एविडेंस आता है तो थोड़े से फैक्ट और डिफरेंट भी आते हैं। जियोग्राफिकली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
मैंने जब भी जब स्टडी स्टार्ट की तो हमें पाकिस्तान की एरियाज फॉर एक्सटर्नल ट्रैफिकिंग इवन इन में जो अगर हम विद इन सिटीज बात करें जिसको हम इंटरनल ट्रैफिकिंग कह रहे हैं वो भी केसेस हैं, बट इम्पीरिकल फाइंडिंग्स में कुछ चीज़ें और सामने आ जाती हैं जो यानी कि हमारे उस तरह से नॉलेज में नहीं होती। तो मैंने तो यहाँ पे अब सिर्फ पॉवर्टी या लैक ऑफ अवेयरनेस जिसकी मैं बात कर रही थी, उसके अलावा मैंने यहाँ पे जो ज़्यादा जिसको मैं वर्स्ट फॉर्म समझ सकती हूँ वो ये है कि मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या स्टूडेंट्स को भी विक्टम बनते हुए देखा है। और मेरे डेटा में बेशक दे आर वेरी फ्यू केसेस क्योंकि ये फ्यू मंथ्स पे स्पैन करती होती है स्टडी और वो बहुत फ्यू केसेस हैं, लेकिन उसकी वजह से मुझे सिर्फ ये नॉलेज जरूर है और ये अलार्मिंग जरूर मुझे लगा कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें स्कॉलरशिप के रीज़न मैंने देखा कि स्कॉलरशिप के लालच में, अब वो पॉवर्टी वगैरह तो नहीं है लेकिन स्कॉलरशिप जाहिर है वो भी एक चीज़ है कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो स्टूडेंट सीख करता है कि उसको कोई हेल्प फाइनेंशियल मिले स्टडीज़ के लिए। तो स्टूडेंट्स में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में तक इन्वॉल्वमेंट होना या मैनिपुलेशन करना, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स के अलावा भी इसमें चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास। देखना जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन साइट पर आ रही होती है हम उससे हेल्प लेते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो नेटवर्क है ट्रैफिकर्स का या मैनिपुलेट करने के जो सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो शायद हमें कोई इंटीग्रेटेड किस्म की ऐसी एफर्ट करनी चाहिए। मुझे पता है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग कर रहे हैं, जैसे आप एनजीओ बेस्ड जो हैं वो टैप करते हैं एरियाज को भी या उन चीज़ों को भी, लेकिन साथ जो रोल है ना जैसे ये हमारे सोशल वर्कर्स हैं, ये जो सोशियोलॉजी वाला हमारा टच है जो हमें इकोनॉमिक फैक्टर्स या पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में हाईलाइट कर सकते हैं, प्लस हम एजुकेशन से जो रिलेटेड लोग हैं, तो ये सारी जो इंटीग्रेटेड किस्म की चीज़ें हैं ना वो जब सामने आए तो वो ज़्यादा करती हैं हाईलाइट। क्योंकि मैंने भी यही एरियाज पढ़े थे और मैं भी यही एरियाज में गई भी और देखा कि ट्रैफिकिंग की पिक्चर है क्या, लेकिन मुझे जो सरप्राइजिंग फैक्ट लगते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे ये सब सिटीज़ में मुझे अब ये लगता है कि अब ये इक्वली वो है। ये कहना कि कोई स्पेसिफिक सर्टन एरिया है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक्सटर्नल ट्रैफिकिंग के लिए जो हमारे बॉर्डर जो हैं वो ज़रूर जो ईरान अफगानिस्तान और इनके साथ हैं और वहाँ पे इलीगल माइग्रेशन क्योंकि उस तरह से कन्वीनियंट बहुत है, लॉज उस तरह से नहीं है जिसकी वजह से इलीगल माइग्रेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो इंटरनल पिक्चर है वो सॉर्ट ऑफ की थोड़ी सी डिफरेंट है। और जहाँ तक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या स्कॉलरशिप के लिए मैंने देखा है कि अगर मैनिपुलेट होना तो वो भी बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी कंडीशंस भी साथ इन्वॉल्व हैं, बिकॉज आई रिमेंबर वन ऑफ द केस के जिसको ट्रैप जो है वो ये जो हमारे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की इंफॉर्मेशन होती हैं उसके थ्रू किया गया। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा कोई इंटीग्रेटेड किस्म का कुछ सिस्टम होने की ज़रूरत है कि हम सेफ्टी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं। गवर्नमेंट के अलावा आई बिलीव कि हमें अपने अपनी जिस भी हम अपने अपने डिपार्टमेंट्स में हैं, जिस भी हम अपनी अपनी कैटेगरीज में वर्क कर रहे हैं, हम इसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, तो वो सजेशन हमें यानी कि जो हम काम कर चुके हैं बेशक रिसर्च पीएचडी के रेफरेंस में या बेशक मैपिंग करते हुए एरियाज की डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू जैसे डॉक्टर नूर आप करते रहते हैं, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम कैसे उस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हम जो है वो हेल्प करा सकते हैं। ठीक है, तो मिस फायदा जैसे कि आपकी रिसर्च भी थी वुमेन ट्रैफिकिंग पे, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या इसमें जेंडर डिफरेंस है ट्रैफिकिंग में और इसकी क्या रेशियो है, मतलब ये जेंडर डिफरेंस ट्रैफिकिंग में किस रेशियो से पाया जाता है। मेरी रिसर्च बेसिकली क्योंकि विमेन पे थी एक्सक्लूसिवली, तो जेंडर डिफरेंस तो ऐसा नहीं, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स हमें इंटरनेशनली अवेलेबल हैं या जैसे डॉक्टर नूर ने काफ़ी प्रोजेक्ट किए हुए हैं तो वो बता भी सक रहे थे कि जैसे जो मेल हैं या जो छोटे बच्चे हैं लड़के हैं तो वो ज़्यादातर हाँ जी लेबर ट्रैफिकिंग के लिए हो जाते हैं। बिसाइड्स कलेक्टिंग डेटा ऑन विमेन मेरा साथ में फोकस रहा था और मैंने देखा था है उनमें भी जो है ना मैनिपुलेशन फॉर सेक्स वर्क है तो मेन में भी और बॉयज़ में भी करवाया उनसे भी जाता है, लेकिन उनके लिए ज़्यादा जो है ना वो लेबर जो ट्रैफिकिंग वाली कैटेगरी है उनको उसके लिए ज़्यादा किया जाता है। अब जहाँ तक मेरी रिसर्च की रेफरेंस से अगर आप कह रही हैं या मैंने जो कलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग, तो फिर विमेन का जो हाइएस्ट रेट है वो मैं अभी पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि
जो डॉक्टर फरहान ने भी कहा वेरी ब्यूटीफुली कि वल्नरेबिलिटी सर्टन कैटेगरीज ऑफ सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में होती है. तो विमेन चिल्ड्रन और ये जो लोग हैं दे आर मोस्ट वल्नरेबल प्लस द एज, क्योंकि जो मैंने एज देखी ट्रैफिक होने की एट फर्स्ट टाइम या एनी लाइफ टाइम वाली बात है तो वो स्टार्टिंग एज है, यंग एज है, जो एडोलेसेंस एज है 18 ईयर्स एंड अबव से है, क्योंकि जिसमें वही चीज़ जैसे सेक्स वर्क के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि यंग के साथ जो है वो समझते हैं कि उनको सेक्स वर्क में मैनिपुलेट करके वो ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, ट्रैफिकर्स का जो माइंड सेट है एज कम्पेयर्ड वेन द एज इज इंक्रीजिंग लाइक लेट 30 के बहुत ही फ्यू केसेज हैं, और अगर वो हैं भी तो वो फर्स्ट टाइम ट्रैफिक अपनी अर्ली एज में ही हुए हैं, इवन इन चाइल्डहुड 10 ईयर्स और 12 ईयर्स की एज में भी हुए हैं. तो वो चीज़ थोड़ी डिफरेंट है. अब मेन में या बॉयज़ में अगर आप बात करें तो जैसे ये हमारे दुबई वगैरह में या दूसरे कंट्री जो अरब कंट्रीज हैं उसमें कैमल जोकिंग वगैरह के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने जब वो रेसिंग करवानी है तो उनके लिए फिर वो बच्चे ज़्यादा करते हैं और लड़कों को ज़्यादा करते हैं. उसके अलावा अगर उन्होंने कोई और फॉर्म ऑफ लेबर करवानी है तो शायद जो लड़कों का है तो वो उनको भी करते हैं. तो उस पर बेसिकली मेरा काम है नहीं और मेरा विमेन पे ज़्यादा काम है, और बेसिकली क्योंकि मैंने थेरेपी प्रोवाइड की थी इनके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज को डील करने के लिए जो ट्रॉमा ये फेस करती हैं, वट एवर द फैक्टर्स आर, जिस तरह से भी वो पुश कर दी गई या जिस तरह से भी वो मैनिपुलेट हो गई. तो मैं क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट के रेफरेंस से मेरे स्टडी का जो मेन पर्पज भी रहा 4-5 ईयर्स में वो उनकी जो साइकोलॉजिकल वेलबींग था उस पे काम करना था. तो डॉक्टर नूर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके ख्याल में जेंडर डिफरेंस कितना होता है में क्या? अच्छा, इसका वही अगेन देयर इज नो स्पेसिफिक डेटा एट द मोमेंट अवेलेबल विद अस. अगर पाकिस्तान की बात आप कर रही है ना जेंडर के हवाले से कि किस तरीके से और किस तरह, लेकिन दूसरी तरफ यानी अगर हम ओवरऑल चीज़ों को देखना शुरू करें और उनको इकट्ठा करना शुरू करें, खासतौर पे डॉक्टर फरहान इस बारे में शायद इन्होंने अपने डेफिनेट रिसर्च में देखा होगा कि होता यह है कि जैसे मैंने कहा ना कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे तो वीमेन की ट्रैफिकिंग और बच्चों की ज़्यादा नज़र आएगी, पाकिस्तान से अगर बाहर की आप देखेंगे तो वहाँ पे मेल्स की ज़्यादा नज़र आएगी, दैट कुड बी ऑफ एनी एज. डॉक्टर साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इशू एक जो बात की वो इन्फेंट्स के हवाले से है जो कैमल जॉकी के तौर पे यहाँ से जाती हैं, एंड दीज आर बीइंग सोल्ड बाय देयर ओन पेरेंट्स. अगर आप देखें तो ये राजनपुर, रहीम यार खान या साउथ पंजाब के चंद एक इलाका जाते हैं और सिंध के जो इंटीरियर सिंह में आ जाते हैं डायरकी वगैरह, और वहाँ से ये बच्चे ज़्यादातर वहाँ से जाते हैं. इसमें एक तो ये है ना कि लोगों ने उठा लिए बच्चे और लेके चले गए, ये वो बच्चे हैं जिनको के पेरेंट्स खुद बेचते हैं, बेच के और वो जो है वो यहाँ से जाते हैं और कैमल जॉकी बनते हैं. बहुत सारे पाकिस्तान में वापस भी आए और लेके आते थे यहाँ पे, यूनिसेफ का बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट चलता रहा वहाँ पे अपना रहिंगा खान के इलाके में. तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं हमारे पास ओवरऑल, तो इसको हम डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते डेटा को बिटवीन जेंडर के हवाले से, लेकिन हाँ एज वाइज अगर हम सोचें तो एज वाइज ज़्यादातर जो जा रहे हैं दीज आर ऑफ एडोलेसेंस स्टेज स्टार्टिंग फ्रॉम 14-15 ऑनवर्ड. अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को हमने जब देखा जो ट्रैफिक होती हैं पर्टिकुलरली एमिरेट्स के एरिया में, वो हैं जो कि 14-15 साल की, लेकिन उनकी एजेस जो है वो बढ़ाई जाती हैं, और ख़ास तौर पे एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जो कि न्यू ईयर का पीरियड आ गया या कोई और जे जैसे अपना कोई मजहबी त्यौहार आ गया कोई इंटरनेशनल, तो उस वक्त ये लोग जो है इनकी ट्रैफिक बढ़ जाती है उन इलाकों में, और जब ये लेके जाते हैं इनको यहाँ से बिल्कुल ये कह के लेके जाते हैं कि आप लोग तो वहाँ पे जाके डोमेस्टिक लेबर के तौर पे काम करेंगे या कुछ और काम करेंगे, लेकिन वहाँ पे जाके अगेन दे एंटर इनटू द डेन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, और वो प्रोस्टिट्यूशन वहाँ पे होती है या बहुत सारे क्लब की डांसर्स बन जाती हैं, इस तरीके से वहाँ पे ये सारा कुछ चल रहा होता है. और यही वो वजह है, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो इनकी फैमिलीज हैं अगर आप इनके साथ बैठें तो यू विल फाइंड आउट दैट मेजोरिटी ऑफ देम
दे हैव गॉट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें डिप्रेशन भी आ जाती है, फियर्स भी आ जाते हैं, और भी इसी तरीके से बाकी चीज़ें जो कि इन लोगों में ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं। जी बड़ा इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, और एज ए सोशियोलॉजिस्ट आई मस्ट से कि जो जब हम ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो ट्रैफिकिंग इज बेसिकली जेंडर्ड फिनोमिना, ठीक है, जेंडर बहुत स्ट्रॉन्गली इसके साथ लिंक्ड है। किस तरह से? एक तो ये है कि जब हम वल्नरेबिलिटीज की बात करते हैं तो वल्नरेबिलिटीज जो हैं वो जेंडर्ड वल्नरेबिलिटीज हैं, ठीक है। जिस तरह से बात की कि जी ख्वातीन का है तो यू नो कि वहाँ पर जो है वहाँ पर उनकी अगर हम बात करें तो एक तो सप्रेशन के हम लोग देख सकते हैं जो एम्पावरमेंट इशूज के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, डिपेंडेंसी उनकी है बहुत ज़्यादा, तो एक तो उनकी वजह से उसकी जो ख्वातीन है उनकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी जो एक चीज़ इसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो डिफरेंट टाइप्स की हम लोग बात कर रहे थे तो जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनकी डिफरेंट डिमांड्स हैं, ठीक है, कि जिस तरह से हम लोगों ने बात की कि जी सेक्स ट्रैफिकिंग की, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की, तो ऑब्वियसली वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर डिमांड हमें नज़र आती है जो वुमेन हैं या जो यंग गर्ल्स हैं उनकी जो है हमें डिमांड नज़र आती है, दे आर मोर वल्नरेबल। और इसमें जो है हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पे तो इस वक्त हमारे पास कुछ तरह से सिस्टमेटिक डाटा अवेलेबल नहीं है इनकी डिफरेंट, लेकिन इंटरनेशनली जो है UNODC की हमारे पास जो है पीरियोडिक रिपोर्ट्स आती हैं तो वहाँ पे हमें जो है वो ग्लोबल डाटा मिलता है और वो बड़ा क्लियरली इंडिकेट करता है कि जब ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो किस तरह से जो है इट्स अ जेंडर्ड फिनोमिनन, कि जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है उसमें जो मेजॉरिटी जो है मोर देन 80% जो है वहाँ पर अगर आप बात करें तो वहाँ पर ये वुमेन और गर्ल्स हैं, ठीक है, कि जो है जिनको प्रे किया जाता है जो उसका जो है वो विक्टिम जो है वो बनते हैं। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं लेबर ट्रैफिकिंग की तो यहाँ पर जो है हमें नज़र आता है कि यहाँ पर क्योंकि देखें ना जब लेबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर वो जो मैस्कुलिनिटी वाला जो एलिमेंट है कि यहाँ पे जो मर्द के बारे में कहते हैं कि जी मर्द तो जो बड़े मैस्कुलिन हैं जी, बड़े वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, सख्त जान होते हैं, तो फोर्स लेबर में फिर हमें नज़र आता है कि जो मेल्स जो हैं उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत फीमेल्स के, ठीक है, और जो इंटरनेशनल डाटा है वो यही हमें बता रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग अगर देखते हैं तो तीसरी जो उसका अगर बात करें मेन जो उसके टाइप है ऑर्गन ट्रैफिकिंग, इसी तरह से ऑर्गन ट्रैफिकिंग में भी देखें तो वहाँ पे भी हमें जेंडर एस्पेक्ट नज़र आता है कि वहाँ पे भी तो ज़्यादातर विक्टम्स जो हैं वो हमें जो हैं वो मेल्स नज़र आते हैं। अब क्यों इस तरह से है, मेरा क्योंकि अपना काम पाकिस्तान पे है और मैंने तीनों इसकी डायमेंशन पे जो है वो काम किया हुआ है, और एक जो मेरा आर्गूमेंट है कि जिस पे मैं अपनी रिसर्च को लेकर चल रहा हूँ वो मेरा आर्गूमेंट ये है कि जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो ये जो तीन जो मेन टाइप्स हैं तो ऑल दो के हम लोग इनको डिफरेंट कैटेगराइज करते हैं बट रियलिटी में क्या होता है कि ये डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। इट डज नॉट मीन कि जिसकी सेक्सुअली एक्सप्लॉयट किया गया तो उसकी लेबर एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकती या वो ऑर्गन रिमूवल नहीं हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जिस तरह से आप देखें तो यहाँ पे हमें जो है वो नज़र आता है कि जो डेड बॉन्डेज है वहाँ पर पोस्ट लेबर है, तो वहाँ पर बहुत से केसेस में जो है पोस्ट लेबर भी हो रही है, उनको जो है विक्टम्स को या उनकी जो फैमिलीज हैं वहाँ पर उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉयट भी किया जाता है जैसे सेक्स ट्रैफिकिंग। और फिर जो मेरी रिसर्च है पर्टिकुलरली उसमें कुछ पॉकेट्स मैंने देखी कि जो सरगोधा के अंदर कुछ पॉकेट्स हैं, ठीक है, इस तरह से डॉक्टर साहब बात कर रहे थे माइग्रेंट स्मगलिंग के हवाले से गुजरांवाला गुजरात मंडी, इसी तरह से अगर आप ऑर्गन ट्रैफिकिंग के हवाले से बात करें तो सरगोधा में पर्टिकुलरली आपको पॉकेट्स नज़र आती हैं कि जहाँ पर फिर जो ये डेट बॉन्डेज है वो बड़ी क्लोजली उसके साथ लिंक है ऑर्गन ट्रैफिकिंग के साथ, कि जब उन पर कर्रा चढ़ जाता है तो फिर वो उनकी जो जो फैमिली मेंबर हैं उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉयट किया जाता है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके पास वो तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई और रेमेडी नहीं है, तो फिर क्या होता है कि वो बड़ा ईजी प्रे बन जाते हैं कि उनको फिर जो है उन ट्रैफिकर्स आइडेंटिफाई करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि जी अच्छा अगर आपने अपनी फैमिली की जान छुड़ानी है, अपनी इज्जत बचानी है, तो ये आपके पास दो गुर्दे हैं तो आप क्यों नहीं अपना एक गुर्दा जो है वो बेच देते उसमें से, यू नो। और वो लोग भी फिर अल्टीमेटली दे बिकम विक्टिम ऑफ ऑर्गन ट्रैफिकिंग, पहले उनको
जो है वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी हो रही है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन भी हो रही है, दैट फर्दर लीड्स टू सेक्सुअल जो है वो ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है वो जेंडर वल्नरेबिलिटीज जो है वो नज़र आती है, पर्टिकुलरली मेल्स के साथ जो एक वल्नरेबिलिटी एसोसिएटेड है कि हमारी सोसाइटी में दे आर कंसीडर्ड द ब्रेड विनर्स फॉर देयर फैमिली, ठीक है जी, वो खानदान के कमाने वाले हैं, तो जिस वक्त उनको इतनी ऑप्शन उनके पास अवेलेबल नहीं होती कि वो अपना रोल जो है वो फुलफिल करें, तो देन दे बिकम वल्नरेबल। बड़ा इजी होता है उनको ट्रैप करना कि उनको चाहे आप जो है वो ट्रैप करके बाहर का लालच दे के वहाँ पर उनको जो है वो ले जाएं, या यहाँ पर जो है उनको जो है वो थोड़ा कर्जा देकर उनको ट्रैप कर लें, या उनको जो है आप कन्विंस कर लें वो जो है वो अपना बॉडी पार्ट जो है वो सेल करें। तो जस्ट लाइक माइग्रेशन थीम पे जिस वक्त हम लोग बात करते हैं कि माइग्रेशन की एक थीम होती है बिकॉज ऑफ नेटवर्क, तो यहाँ पर भी हमें जो है वो एक थीम नज़र आती है, नेटवर्क नज़र आते हैं। बहुत सी जो रिसर्च स्टडीज़ हैं और मेरी जो अपनी डिफरेंट स्टडीज़ हैं वहाँ से चीज़ सामने आती है कि बहुत से केसेस में जो विक्टिम्स जो होते हैं ना, जब वो इस प्रोसेस में गुजरते हैं सो मैनी टाइम्स देमसेल्फ बिकम रिक्रूटर्स, ठीक है, कि अगर एक कार्टून जो है उसके साथ जो है उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया और फिर अल्टीमेटली वो उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं और देन दे देमसेल्फ बिकम रिक्रूटर, ठीक है, कि वो आंट बन के जो है फिर वहाँ पे जो है ब्रॉथल चलाना शुरू कर, इसी तरह से मेल्स को मैंने ये देखा कि उनको जब एक्सप्लॉइट किया गया फोर्स लेबर में या ऑर्गन ट्रैफिकिंग के लिए, जब वो एक दफ़ा उस प्रोसेस से जो है वो गुजरे देन लेटर ऑन दे देमसेल्फ बिकम रिक्रूटर। तो इस तरह से फिर जो है हमें जो है वो डिफरेंट पॉकेट्स नज़र आती हैं कि डिफरेंट जगहों पे जो है डिफरेंट जो है पर्पजेस के लिए जो है वो लोगों को ट्रैफिक किया जाता है। फिर अगर आप बात करें कि जो है लाइक फॉर एग्जांपल अगर बैगरी की बात करें, ऑर्गन ट्रैफिकिंग की बात करें, तो ये आपको बड़े सिटीज़ में नज़र आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको अब जिस तरह से ईद आ रही है तो ईद के करीब आपको पता है कि लोग जो है आप आना जो है वो शुरू करेंगे और मांगेंगे मुख्य जगहों पर। इसी तरह से जब ऑर्गन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो ये कैसा प्रोसेस है कि जिसके लिए आपको एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि छोटे जगहों से पे आपको अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ से फिर लोगों को यहाँ पर जो है वो लेके जाया जाता है और यहाँ पर जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो डिफरेंट जगहों पर आपको डिफरेंट फैक्टर्स नज़र आएंगे, डिफरेंट जो है उसके जो है वो फॉर्म जो है वो नज़र आएंगे, बट डेफिनेटली इट्स ए जेंडर, इट्स ए क्लास एंड इट्स एन एज फिनोमिना। ये तीनों फैक्टर जो हैं जेंडर, एज और क्लास, ये जो हैं तीनों बहुत ज़्यादा इसमें जो है प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं इन क्रिएटिंग वल्नरेबिलिटीज टू ट्रैफिकिंग। इसके अलावा मतलब जैसे कि हम बात करते हैं मैनिपुलेशन की, या जैसे कि मिस फायदा ने भी बताया कि उनकी स्टडीज़ में उन्होंने ये भी देखा कि स्टूडेंट्स इवन एजुकेटेड मतलब अगर देखें तो हमारा सेक्टर भी इन्वॉल्व है इसमें, मतलब अब ये बात नहीं महज की जा सकती कि सिर्फ लैक ऑफ एजुकेशन या लैक ऑफ अवेयरनेस इसका कॉज है, तो मतलब इसका मतलब है कि एजुकेशन भी है, अवेयरनेस भी है, उसके बावजूद ट्रैफिकिंग हो रही है। तो आप लोगों से मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या इसमें मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है कि कितने परसेंट लोग हैं जिनका कंसेंट होता है या वो ये जानते हैं कि ट्रैफिकिंग हो रही है, या वो अब उनकी ट्रैफिकिंग होगी, या वो कंसेंट देते हैं अपना ट्रैफिकिंग के लिए? कंसेंट की बेस पे तो मेरा अगर बात करें तो बेसिकली ट्रैफिकिंग को स्मगलिंग से इस कंसेंट की बेस पे डिफरेंशिएट किया जाता है, क्योंकि ट्रैफिकर्स जो है ना इसी चीज़ की प्ली लेते हैं कि कंसेंट मींस कि उन्होंने फर्स्ट प्लेस पे किसी भी चीज़ के लिए माइग्रेट होने के लिए कंसेंट तो दिया था। तो बात यह है कि कंसेंट कोई मैनिपुलेट होने के लिए तो डेफिनेटली नहीं देता, लेकिन वो अपनी विलिंगनेस जिस फर्स्ट काम के लिए, स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए, जॉब चेंज करने के लिए, या किसी भी काम के लिए वो कहता है कि ठीक है मैं मूव कर रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन अब उसको नहीं पता कि उससे वो कोई काम इलीगल करवा लिया जाएगा, वो कॉन्सेंट तो एक और चीज़ है, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी या ट्रस्ट ही तो इसमें इन्वॉल्व है जिसकी वजह से जिस बेस पे मैनिपुलेट किया जा रहा होता है। तो कॉन्सेंट तो इन एनी वे उस तरह से पार्ट नहीं रहता। हाँ, लेकिन उन्होंने कॉन्सेंट किया कि शायद वो दूसरी जगह जाके जॉब करेंगे, दूसरी जगह जाके उन्होंने कोई स्टडी करनी है, या उन्होंने इवन ये जो मैरिज वाला जो मैंने बहुत पहले बताया था कि मैंने इंटरनली तो ये भी देखा है कि जो हस्बैंड्स हैं पॉवर्टी भी है या अदरवाइज ये है कि वो उनका इजी सोर्स ऑफ इनकम भी लग रहा है कि इंस्टेड ऑफ के वो खुद कुछ हार्डवर्क करें तो वो इसके थ्रू भी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो कंसेंट जो है ना वो सेकेंडरी पोजिशन रह जाती है, क्योंकि सारे प्रेशर, लॉट्स ऑफ स्टिग्मा और ये जितने इश्यूज मैंने पहले किए थे बात जिन पर बात की थी,
उसकी वजह से जब वो उस तरह से गिव अप, अगर विमेन की बात करें गिव अप कर रहे हैं विक्टिम, तो फिर कॉन्सेंट का तो पार्ट रहता ही नहीं है बेसिकली। तो इनके साथ एक और जो इन्वॉल्व है चीज़ जो लॉ में चीज़ इनको उस साइड से भी मैनिपुलेट किया जाता है, वो यही है कि हाँ जी दे आर डूइंग इट। और अगर वो फर्स्ट टाइम उन्होंने विलिंगनेस के बगैर या फोर्स की वजह से किया था, लेकिन ये है कि दे आर इनटू इट और उन्होंने इस चीज़ को एग्री किया था एट फर्स्ट प्लेस, चाहे वो फोर्स की वजह से ही क्यों नहीं किया था। प्रैक्टिकली जैसे डॉक्टर फरहान बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जिस तरह से टाइप्स को डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है, तो ये कॉन्सेंट एक और एलिमेंट है कि जिसको उस तरह से करना बड़ा मुश्किल है, और कि कॉन्सेंट था कि नहीं था, क्योंकि फोर्स की वजह से अगर कॉन्सेंट ले लिया गया उसको लॉ में इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग तो इस चीज़ को डिसमिस किया जाता है और इसकी कोई पोजिशन नहीं है, कहा जाता है कि नहीं। लेकिन अब अगर वही चीज़ आ जाती है अगर हम उसको इंटरनल यहाँ पे अप्लाई करें उसकी लॉ को, तो बेसिकली जब हस्बैंड ही करवा रहा है तो एक तो वो अपील का राइट वैसे नहीं रहता, क्योंकि ये होता है कि वो हस्बैंड के साथ क्योंकि मिली हुई है और विलिंगनेस कॉन्सेंट उसमें इंक्लूडेड है। अब रियल में कॉन्सेंट फोर्स के थ्रू ले लिया गया था, जैसे मैं पहले कह रही हूँ थ्रेट के थ्रू ले लिया गया था, या इतने सारे स्टिग्मा लैक ऑफ सपोर्ट और इन सारी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हुए ले लिया गया था, वो प्रैक्टिकली कोई भी जज नहीं करता। और बेसिकली अगर लॉ रिलेटेड बात करूँ तो फिर उसको जज करना थोड़ा सा उस तरह से मुश्किल भी है, क्योंकि सेल्फ रिपोर्टिंग वाली बात है जिससे बाइसनेस भी जो है ना वो डेफिनेटली हो सकती है। लेकिन कॉन्सेंट इसका बड़ा कंफ्लिक्टिंग किस्म का पॉइंट है ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन का, क्योंकि इंटरनेशनली वो इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं किसी तरीके से और उसकी वर्थ डिफरेंट तरीके से स्टैंड करती है, लेकिन यहाँ इंटरनल जब हमारे फैक्टर्स और कल्चर रिलेटेड जब चीज़ें आती हैं तो पिक्चर थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, फिर हम उसको एज इट इज़ अप्लाई कर नहीं सकते। तो यहाँ पे कॉन्सेंट का जो वर्थ है वो उस तरह से स्टैंड नहीं करती। और कॉन्सेंट आप इसी तरह से सिंपल एग्जाम्पल ले लें जैसे मैरिज के लिए अदर दैन ट्रैफिकिंग, वैसे ही मैरिज के लिए कॉन्सेंट जो है वो लिया जाए लड़की से, तो वो किन फैक्टर्स की वजह से कॉन्सेंट दे रही है उस मैरिज के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे लेट मैरिज लेट एज तक अनमैरिड रहना इटसेल्फ वो भी स्टिग्मेटाइजिंग है, तो एक कल्चर में किस प्रेशर की वजह से कॉन्सेंट दिया जा रहा है, फिर उन फैक्टर्स को एक तो पहले लिस्ट डाउन करना पड़ेगा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उसको लॉ के साथ वो करना पड़ेगा, फिर ये जो कॉन्सेंट है ना ये चीज़ जो है वो सामने आएगी। एक और पॉइंट जो आप कह रही हैं लैक ऑफ अवेयरनेस एजुकेशन, एजुकेशन इज अ डिफरेंट थिंग, एजुकेटेड होते हुए भी हमें चीज़ों की अवेयरनेस ना हो तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स एजुकेशन ले भी रहे हैं दे आर आइदर फ्रॉम द फैमिलीज के फैमिलीज में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, और वो शायद कुछ लोग हैं जो जिन जो इतने लेवल पे पहुंच सके जिनके लिए पॉसिबल हो सका कि वो ये एजुकेशन लें, तो उनको फैमिली की तरफ से भी वो चीज़ अवेयरनेस में नहीं आई होती। तो अवेयरनेस होना इज अ डिफरेंट थिंग, डिग्रीज अचीव एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज अचीव करना इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, क्योंकि एजुकेशन तो आ जाती है डिग्री अचीव करने से, वो एक लेबल वाली तो आ जाएगी, लेकिन ये कि अवेयरनेस होना वो चीज़ जो है ना वो डिफिकल्ट है उसको करना कि अवेयरनेस है कि नहीं है। वो इन कंपेन्स के थ्रू ही हो सकती है, जैसे जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम अपनी अपने फील्ड में जिस तरह से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं चीज़ें वो उसके थ्रू भी हो सकती है, क्योंकि मैंने काफ़ी अपने लेवल पे अपने डिपार्टमेंट में चीज़ों को उस तरह से किया कि हम इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हमें चैनलाइज नहीं करनी चाहिए, और मेरी ये एफर्ट है कि हम बाकियों तक भी मेरी यही जो है ना मैं अपनी आवाज़ पहुँचाऊँ कि स्टूडेंट्स के डेटा को किस तरह हम कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं ताकि हमारे डिपार्टमेंटल लेवल से तो इन्फॉर्मेशन कहीं ना जाए, कोई उनको मैनिपुलेट ना कर सके। तो इस तरह जो जो जिस जिस फील्ड से हैं वो फिर उसी तरह से अवेयरनेस वाली बात जो मैं हाईलाइट करी वो इस तरह से है कि एजुकेशन सिर्फ ले लेना मतलब नहीं है कि शायद अवेयरनेस भी आ गई। अवेयरनेस होना या किसी चीज़ की आगाही होना दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो शायद ये है कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट के थ्रू, क्योंकि अब हमारे लोग ज़्यादातर इनरोल हो रहे हैं डिग्रीज में, एजुकेशन रेट लिटरेसी रेट पहले से ज़्यादा हाई है, लोग अपने बच्चों को कोशिश करके पढ़ाने भी भेजते हैं और वो समझते हैं कि ज़्यादा हायर डिग्रीज भी उन्हें अचीव करनी चाहिए, तो हम ये चैनल वैसे यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज अवेयरनेस को रेज करना। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस उस तरह से नहीं है लोगों में, मतलब जैसे कि मेरा जो मैं जानना चाह रही थी वो ये था कि क्या लोग
जानते हैं, मतलब जानते होते हैं जब ट्रैफिकिंग हो रही है कि अब हम इस चीज में इन्वॉल्व हैं या नहीं? नहीं, बेसिकली वो जानते नहीं होते, जैसे मैंने कहा है ना कि वो जिस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं कॉन्सिक्वेंस उसका क्या होने जाने वाला है, उन्हें किस तरह से मैनिपुलेट कर लिया जाएगा, वो ये नहीं जानते होते। थोड़ा सा रिस्क को वो ज़रूर आइडेंटिफाई कर सकते होते हैं, क्योंकि जिन विक्टम्स के मैंने इंटरव्यू किए, लाइक उनको फियर होना कि अच्छा मैं किसी पर ट्रस्ट करके किसी और जॉब पे जा रही हूँ, वो बड़े कॉमन से फियर हैं, वो बड़े जनरल से फियर हैं। ये ऐसे ही है जैसे हम डिफरेंट जॉब्स के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें थोड़ी सी हेजिटेशन और रिजर्वेशन होती है अबाउट द एनवायरमेंट के कौन बॉस होगा, कौन डायरेक्टर होगा, सेम जेंडर है या डिफरेंट जेंडर है, और हमने जिस तरह से सारा कुछ देखा होता है कैसे अपने आप को सेफ रखना है, वो नॉलेज ज़रूर होता है, लेकिन उन सारी रिजर्वेशन के साथ वी मूव आउट उस सारी चीज़ों के साथ। लेकिन कॉन्सिक्वेंस क्या है कि उनको किस तरह से इलीगल यूज़ कर लिया जाएगा, वो इस तरह से नहीं है। मेरे पास एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट था, ये नहीं था कि वो सब लोग जो मैनिपुलेट हो रहे हैं शायद उनको फैमिली की बहुत ही लैक ऑफ सपोर्ट है और फैमिली को भी पता नहीं है कि शायद वो नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं, फैमिलीज के नॉलेज में होते हुए भी कि ये फ़लाँ सोर्स के थ्रू शायद जॉब इंटरव्यू देने जा रही है या फ़लाँ रिलेटिव के साथ ही कहीं जा रही है, तो दैट्स फाइन, वो उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, हमारे यहाँ इंटरनल कल्चर में हमारा जो एक्सटेंडेड लोगों पे जो फैमिली से रिलेशनशिप पे जो ट्रस्ट है वो फर्स्ट तरीके से होता है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट के कल्चर, क्योंकि उनमें ये फिनोमिनाज नहीं है, तो उसकी वजह से उन्हें ये तो डेफिनेटली पता होता है मैं दूसरी सिटी जा रही हूँ, वहाँ कुछ हैजर्ड्स फेस करने पड़ेंगे, मुझे लिविंग में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, लेकिन इतने डायर कॉन्सिक्वेंसेस को ऑफकोर्स वो फोर्सी नहीं कर सकते और उनका पता नहीं लगा सकते। और इस किस्म के डायर कॉन्सिक्वेंसेस को तो अगर जनरली देखा जाए, हम कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले इतने ज़्यादा जो रिस्क जजमेंट है वो खैर उतना से किया भी नहीं जा सकता कि कितना इन्वॉल्व है, जितना वो मिनिमम लेवल पर कर सकते हैं वो जरूर करते हैं, लेकिन वो मैनिपुलेट हो जाएंगे, उनसे कोई इलीगल काम करवा लिया जाएगा, वो ट्रैप हो जाएंगे, ये डेफिनेटली उनके नॉलेज में नहीं होता। क्योंकि स्टिग्मा को एलिसिट करते हुए जो मेरे मेजर थीम्स मेरी रिसर्च में सामने आए थे, उनमें से सबसे मोस्ट हाइलाइटेड यही था कि काश हम ये स्टेप ही ना लेते, जॉब परस्यू कर रहे हैं तो वो यही कहते थे कि काश हम इस जॉब के लिए ही ना आते, या अगर मैं फ़लाँ रिश्तेदार के पास ठहरने गई थी और मुझे नहीं पता था वो इन इलीगल कामों में इन्वॉल्व है, तो फर्स्ट प्लेस पे काश मैं वहाँ जाते ही ना। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो कोई भी मिसहैप होने के बाद की जा सकती हैं, लेकिन ये है कि डेफिनेटली उनको पहले पता नहीं होता कि दे विल बी मैनिपुलेटेड और ट्रैप और उनको कोई इलीगल इन्वॉल्वमेंट हो जाए। जी अगेन, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे नज़दीक जब हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो इस प्रोसेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जिसको एस्टेब्लिश करना मतलब ज़रूरी भी है लेकिन मुश्किल भी है, वो ये कंसेंट और लैक ऑफ कंसेंट है। लेकिन ये इतनी सिंपल चीज़ नहीं है कि हम लोग कहें कि अच्छा जी क्या उसमें कंसेंट थी या कंसेंट नहीं थी, इट्स नॉट सो सिंपल, ठीक है। या इसको जो उस तरह से आपने बात की कि जी लोग जानते थे जानते हैं या लोगों को नहीं पता, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जिस वक्त कंसेंट की बात करते हैं तो एक तो फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों की बात की तो बच्चों को जहाँ पर लेस देन 18 ईयर्स हैं तो वो तो बड़ा क्लियर है हमारे पास जो इंटरनेशनल लॉज हैं कि वहाँ पर कंसेंट का जो है इट डज नॉट मैटर, ठीक है, कि अगर विक्टिम जो है वो 18 ईयर से कम है और अगर वहाँ पर कंसेंट दी भी है तो कंसेंट बिकम्स मीनिंगलेस, ठीक होगी एक बात। दूसरी बात ये कि अब इसको थोड़ा सा हमें जो है ना समझने की ज़रूरत है कि कंसेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैंने किसी चीज़ पे हाँ कर दी तो वाकई मैंने जो है वो उस पर कंसेंट कर दिया। कंसेंट मींस के अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस पीपल आर मेकिंग डिसीजन, के लोगों के पास च्वाइसेस हैं क्या? अगर मेरे पास एक ही च्वाइस है और मैं उसके लिए कह रहा हूँ तो क्या ये वाकई मेरी कंसेंट उसमें से है? यू कांट बी कंसीडर माई कंसेंट, ठीक है। और किस तरह के हालात में लोग जो हैं वो डिसीजन ले रहे हैं, तो उसमें जिस वक्त हम लोग जो यूनाइटेड नेशन का प्रोटोकॉल है तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई है बड़ी क्लियरली कि कंसेंट की जिस वक्त हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर एक उन्होंने जो है उसमें साथ जो एक क्राइटेरिया लिखी है वो है अब्यूज ऑफ ए पोजिशन ऑफ वल्नरेबिलिटी,
ठीक है, कि अगर किसी की जो है वो पोजीशन ऑफ वल्नरेबिलिटी को अब्यूज किया जा रहा है कि वहाँ पता है कि ये बंदा जो है इसके पास कोई और चॉइस नहीं है, और अगर उसने कंसेंट दे भी दिया है तो वो कंसेंट जो है वो मीनिंगलेस बन जाती है। ठीक है, जैसे मैं अपनी रिसर्च में छोटी सी एक आपको एग्जाम्पल जो है, एक या दो एग्जाम्पल आपको कोट करता हूँ। जैसे ऑर्गन ट्रैफिकिंग के हवाले से जब मैंने जो है वो बात की, तो मैंने आपको बताया कि मैंने जब ऐसे लोगों से मिला और इंटरव्यू किए, तो वो लोग थे कि जिनकी फैमिलीज को जो है वहाँ पे कैद किया था, डेड बॉन्डेड जो है, ठीक है, लिटरली कैद था कि वो वहाँ से जो है वो निकल नहीं थे सकते उससे। तो वहाँ पर फिर अब क्या था, उनको वो अप्रोच किया ट्रैफिक, उन्होंने कहा कि जी अच्छा जी आपके वहाँ पे जो फीमेल मेम्बर हैं उनके साथ भी ज्यादती हो रही है, आप जान भी नहीं छुड़ा सकते, इस जगह से निकल भी नहीं सकते, आपको कैद किया हुआ है। तो एक चीज़ जो आप कर सकते हो कि जी वो आप अपना किडनी जो है वो अगर आप एक बेच दो तो वो जो है आप इजीली अपनी जान छुड़ा सकते हो इससे। ठीक है, अच्छा, अब मजे की बात कि जब वो लोग जो हैं वो डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये वो प्रोसेस है जो आम किसी छोटी जगह या गांव मोहल्ले में नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए आपको पूरा अगर ट्रांसप्लांटेशन करनी है किडनी की तो पूरा आपको फैंसी मॉडर्न इक्विपमेंट चाहिए, सर्जन चाहिए। अच्छा, जब विक्टम से उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर से मिले, तो डॉक्टर ने हमें कहा कि जी हाँ आपके पास दो किडनी है, तो एक किडनी जो है वो काफ़ी है, अगर आप एक किडनी दे देते हैं तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और आप अगर एक किडनी डोनेट करते हैं तो किसी की लाइफ बच जाएगी और उसके बाद आप जो है अपनी रूटीन की लाइफ जो है आपको गुजार लेंगे, डेट्स इट। किसी ने उनको ये नहीं बताया कि जिस वक्त उनकी वो किडनी निकाली जाएगी तो उसके बाद उसका जो पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन जो इफेक्ट है, तो वो बेचारे तो वो थे कि जो वो लेबर करते थे, और जिस वक्त उन्होंने किडनी अपनी दे दी तो पता चला कि जो लेबर कर सकते थे उससे भी चले गए, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो किडनी निकालने के बाद तो उनके पास तो भी एक्सेस नहीं था सिवाय लेबर के, उसके बाद तो कोई वो लेबर इंटेंसिव काम ही नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे देखिए उन्होंने कंसेंट दी, उन्होंने कहा यस, लेकिन क्या ये रियल कंसेंट जो उनको बताया गया, ठीक है, क्या उनके पास कोई और ऑप्शन थी, क्या जो डॉक्टर ने वहाँ पे बताया कि भी इसका कोई असर नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, आपके पास दो एक किडनी एक्स्ट्रा होता है आपकी जो है वो देकर जो है, फिर जो उनको जो है वो जो पैसे दिए गए वो मतलब जिसको फेल किया गया किडनी तो उससे तो ना होने के बराबर है उसके मुकाबले में। तो यहाँ पे बाहर अगर उस बंदे ने यस कहा भी उस प्रोसेस को, तो क्या आप इसको कंसेंट कंसीडर करेंगे? ऑब्वियसली ये कंसेंट रियल कंसेंट जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे यही चीज़ मेरा ख्याल है कि वो ज़रूरी है हमें समझने के लिए, स्पेशली पाकिस्तान में जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट जो जज हैं उनको इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि ये सिंपल इतना सादा मैटर नहीं है कि हम लोग ये कहें कि यहाँ पे कंसेंट इन्वॉल्व है या नहीं है, नहीं, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होने जा रहा है। किस तरह से कि आप इसकी बेसिस पे उसको जो है बंदे को कैटेगराइज करने जा रहे हैं, इसकी बेसिस पे ट्रीट करने जा रहे हैं कि अगर वहाँ पर आप कहते हो कि यहाँ पे लैक ऑफ कंसेंट है, उसकी कंसेंट नहीं थी, तो आप उसको फिर कंसिडर करते हो एज ए विक्टिम, ठीक है, और अगर आप ये कहते हो कि नहीं यहाँ पर उसने हाँ की थी कंसेंट थी, तो वही बंदा क्या बन गया, वो बंदा क्रिमिनल बन गया, ठीक है, पर्टिकुलरली जहाँ पे इलीगल माइग्रेशन वगैरह जो है वो इन्वॉल्व है। इसलिए इस चीज़ को जो है बहुत जो है हमें वो केयरफुली जो है वो देखने की जरूरत है। इसी तरह बच्चों का मैंने बताया लेस देन 18 होता नहीं है, फिर बहुत से केसेस हमें पाकिस्तान में ऐसे मिलते हैं कि जहाँ पर आप देखते हैं कि पेरेंट्स या उनके रिश्तेदार जो हैं वो छोटे छोटे बच्चों को जो हैं 7 साल 8 साल के बच्चे जो हैं बच्चियाँ उनको घरों में छोड़ देते हैं पूरे साल की जो है वहाँ से वो पैसे लेके, और फिर पूरा साल जो है वहाँ पर दिखाते नहीं, वो बच्चे लिटरली जो है वो 24 आवर्स जो है वो काम कर, कोई छुट्टी नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। अब यहाँ पे अगर आप कहें तो जी अच्छा क्योंकि उनके कंसेंट, तो क्या ये वाकई कंसेंट है, इसको आप कंसेंट कंसीडर करेंगे? उसमें से मेरे नज़दीक तो ये बड़ा क्लियर एक जो है वो ट्रैफिकिंग का जो है वो एक एक केस है। तो मेरी तो इस पर ये सजेशन भी है, मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ, और मेरी सजेशन भी है कि इस पर हमें वो जो है ना वो रिसर्च करने की ज़रूरत है और इस पर बहुत ज़्यादा थाट देने की ज़रूरत है, ठीक है, पर्टिकुलरली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, कि जिन्होंने डिटर्मन करना है कि पर्टिकुलर केस में जो है वो जो है इट्स अ केस ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट या जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, तो वहाँ पर ये जो फिर कंसेंट का एलिमेंट है ये बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करता है। तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कंसेंट डज नॉट मीन कि जी बंदा जो है वो बज़ाहिर जो है वो क्या कर रहा है, हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि उनके पास रियल चॉइसिस क्या थी जब उन्होंने डिसीजन लिया, और अंडर वट सर्कमस्टेंसेस पीपल आर मेकिंग डिसीजन, तो वहाँ से फिर हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं कि क्या ये वाकई जो है वो रियल कंसेंट थी, ठीक है, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो जो एलिमेंट है, मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा,
इसीलिए मेरे नज़दीक में सबसे, जब हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो उसमें जो एक चीज़ जिस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस देना चाहिए, कंसेंट, लैक ऑफ कंसेंट अपनी जगह पे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिस चीज़ को देनी चाहिए वो एक्सप्लॉयटेशन पे है। जहाँ पर भी ह्यूमन बींग्स की एक्सप्लॉयटेशन जो है वो हो रही है, वहाँ पर हमें जो है उसको विक्टिम जो है वो ठीक करना चाहिए। तो इन सारे इफेक्ट्स को नज़र में रखते हुए तो मेरे जहन में एक और चीज़ आ रही थी और वो मैं चाहूँगी कि मिस फायज़ा हमारे साथ हैं, शी इज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो उनके नज़र में इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं, मतलब ट्रैफिकर जो ट्रैफिकिंग का जो विक्टिम है उसकी मेंटल हेल्थ किस तरह से इफेक्ट होती है इसके बाद, इस मतलब मैनिपुलेशन हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, या तो इसके बाद उनकी मेंटल हेल्थ किस तरह से इफेक्ट होती है। इसमें सिंपल लेवल पे अगर बेसिक साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई होता है इन विक्टिम्स में, जिसमें डिप्रेशन एंड एनजाइटी के हॉलमार्क फीचर्स आते हैं, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, बिकॉज वो समझते हैं कि इन कामों में इन्वॉल्वमेंट की वजह से या जब से उनकी मैनिपुलेशन हुई है, इलीगल कामों में उनकी इन्वॉल्वमेंट करवा दी गई है, तो उनका जो सेल्फ है वो उसको बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग करते हैं, जिसकी वजह से वर्थलेसनेस का एक सिम्टम आता है। सुसाइडल आइडिएशन और सुसाइडल अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब ये सोचना कि मैं ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ और उसके लिए एफर्ट भी करना, सुसाइडल रेट्स उनमें बहुत ज़्यादा हाई आए हैं। मेरी रिसर्च के जो विक्टिम्स थे एटलीस्ट उनमें इतने ज़्यादा हाई आए हैं कि उनके लिए ये बिलीव करना मतलब आम लोगों के लिए मुश्किल है कि वो इस काम में इन्वॉल्व भी हैं, वो कर भी रही हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये अटेम्प्ट भी किए हैं। रिस्क कटिंग से लेके ये कोई पिल्स खा लेना या जैसे ये एसिड वगैरह पी लेना, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है इन विक्टम्स में, और ये इसीलिए है क्योंकि उनके साइकोलॉजिकली, क्योंकि उनको डील नहीं किया जा रहा होता, उनको कोई लिसनिंग नहीं दी जा रही होती और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे कोई काम किया नहीं जाता। यूनाइटेड नेशंस ने भी अगर वर्ल्ड वाइड कोई सर्वेस किया या पाकिस्तान में भी बहुत से करवाए हैं प्रोजेक्ट, तो वो एरियाज की मैपिंग और कितना ट्रैफिकिंग का रेट है और ये पता लगाने के लिए कि फैक्टर्स क्या हैं, रीजन क्या हैं, और ये पता लगाने के लिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, उनका फोकस सारा यही है। इस सारे ताने बाने में, इस सारी गेम में जो विक्टिम इटसेल्फ है और उसकी जो साइकोलॉजिकल स्टेट है वो मिस हो जाती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनमें बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड आई है डिप्रेशन और एनजाइटी के अलावा, वो इनमें पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसके नाम से सबसे क्लियर है, दे आर वेरी ट्रामाटाइज, और उसमें इनको फ्रीक्वेंट नाइटमेयर्स आना अबाउट द ट्रामा, और इनको दे आर ऑलवेज ऑन द अलर्ट, और वो बहुत हमेशा उसके लिए वरीड रहते हैं चीज़ों के बारे में। हाइपर विजिलेंस, हाइपर सेंसिटिविटी का एक बहुत बड़ा फीचर है सोते हुए अचानक डर जाना या खड़े खड़े अचानक डर जाना कि जैसे पीछे से आपको आके किसी ने आवाज़ दी है, ये चीज़ें इनमें सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुई हैं। डिप्रेशन, एनजाइटी एंड PTSD जैसे डायग्नोसिस के अलावा, इस फॉर्म ऑफ PTSD को बाय द वे कॉम्प्लेक्स PTSD कहते हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं कि ये ट्रॉमा होने के बहुत सालों के बाद भी उनमें एग्जिस्ट करता है और डिफरेंट फॉर्म में जो है वो सामने आता है, उनके अपने लिए पर्सनल लेवल पर ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग भी होता है और उनकी डेली फंक्शनिंग को इफेक्ट भी कर रहा होता है। सुपरफिशियल लेवल पर वो अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो PTSD डिप्रेशन या एनजाइटी, इन डायग्नोसिस के अलावा जो चीज़ मैंने देखी वो इनमें लैक ऑफ ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था डेफिनेटली, क्योंकि जब उनका ट्रस्ट ब्रेकअप किया जाता है, उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है, तो दे आर अनएबल टू मेक अ ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप विद एनीवन। वो अपनी पेरेंटल फिगर से लेकर, चाहे वो मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व थे या नहीं थे, उन लोगों के अराउंड भी हो जाता है जो ट्रैफिकिंग में या मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व थे, और उन लोगों के अराउंड भी हो जाता है जो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व नहीं थे। मतलब इस वजह से ये रीइंटीग्रेट नहीं कर सकते, सिर्फ लैक ऑफ सोशल सपोर्ट की वजह से ये सोसाइटी में रीइंटीग्रेटिंग प्रॉब्लम नहीं आती, इनको अपने इस लैक ऑफ ट्रस्ट वाले सिम्टम की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनके साथ लाइफ में जब मिसट्रस्ट हो चुका है तो वो फिर भी ट्रस्ट इजीली करते नहीं हैं। ये बेसिक ह्यूमन फैक्टर है, इनमें उनका कोई एज सच कोई कसूर वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें भी अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो और हमारे ट्रस्ट को ब्रेकअप किया जाए तो उसमें हम भी किसी पे जो ट्रस्ट है वो फिर करते नहीं है, इजीली डेवलप नहीं करते,
हम कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन पे दोबारा कोई ट्रस्ट वाला काम करें ही ना हम उसके साथ। तो ट्रैफिकिंग या मैनिपुलेशन और उसके बाद इलीगल कामों में इनको इन्वॉल्व करा लेना तो एक बहुत बड़ा लाइफ का वो है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है स्टिग्मा, जो इनमें बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन, एंजाइटी, PTSD के अलावा स्टिग्मा इनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि डेफिनेटली अगर वो रिवील करते हैं अपनी आइडेंटिटी को और वो बताते हैं कि वो मैनिपुलेट हो चुके थे या करंटली अब वो कौन सा इलीगल काम में इन्वॉल्व है, तो कोई भी उनकी रीज़न को नहीं देखता, कोई भी ये नहीं देखता कि वो कैसे मैनिपुलेट हो गए, वो यही देखते हैं कि ये एज अ पर्सन अगर इस काम में इन्वॉल्व है तो एज अ पर्सन ही ये बैड है, उस पूरे को ही लेबल किया जाता है। तो गुड और बैड डिवीजन की वजह से, कामों के डिवीजन की बजाय हम लोगों को लेबल कर लेते हैं, तो लोग उनसे कोई भी रिलेशनशिप डिवेलप करना ठीक नहीं समझते, तो जिसकी वजह से ये लोगों में लैक ऑफ ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है। एक और चीज़ एंगर इनमें बहुत ज़्यादा हाई है, जो वो खुद भी एग्री भी करते हैं और आइडेंटिफाई भी करते हैं कि उनको बगैर किसी वजह के बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उनके डिप्रेशन और हेल्पलेसनेस के साथ ही एसोसिएटेड है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हेल्पलेस होते हैं तो भी एंगर बहुत ज़्यादा आता है, इस तरह से कि कोई वे आउट नहीं होता, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग की जा सकती, जिसकी वजह से एंकर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होता है। अगर ये लोग अपनी फैमिलीज में वापस जाते हैं या रीमैरी कर लेते हैं किस तरह से, ट्रैफिकर्स या अपने इलीगल वर्क से अगर दे ट्राई और दे आर सक्सेसफुल टू कम आउट ऑफ ऑल दैट इलीगल वर्क, तो उसमें उनको एक प्रॉब्लम ये भी आ रही होती है कि उनको डेली लाइफ में ये एंगर इशूज बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं और वो हेल्पलेस फील करते हैं, तो वो अपने गुस्से का कुछ और जो है ना सोल्यूशन ढूंढ भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं है इन चीज़ों के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसे मैंने पहले अवेयरनेस वाली बहुत सी बातें की, इसी तरह से एक विक्टिम के लेवल पे तो उनको कोई भी अवेयरनेस नहीं है, और जब मैंने इनके साथ रिसर्च किया, उनके ये इश्यूज को आइडेंटिफाई किया, तो वो बहुत रिलीव्ड उन्होंने फील किया कि एटलीस्ट कोई ऐसा चैनल है कि जो उनके जो सेल्फ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और इश्यूज हैं उनको सुन भी रहा है। लीगल हेल्प उन्हें मिल जाती है, फाइनेंशियल हेल्प भी सॉर्ट ऑफ वो सीख कर लेते हैं, लेकिन ये जो सोसाइटी में रीइंटीग्रेशन और उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज को डील करने के लिए उन्हें कोई चैनल चाहिए तो वो उन्हें नहीं मिलता। तो ये वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो इनमें बहुत ज़्यादा आते हैं, जो डील होने चाहिए इवन आफ्टर बीइंग ट्रैफिक या कमिंग आउट ऑफ दैट ट्रैफिकिंग सिचुएशन भी वो इनके साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो एंड अप उनका ज़्यादातर फिर सुसाइड की वजह से होता है, क्योंकि अगर उनमें अटेम्प्ट इतनी ज़्यादा हाई है, तो अटेम्प्ट हाई होने का मतलब यही होता है कि इवेंचुअली जाहिर है कोई एक अटेम्प्ट सक्सेसफुल होगी तो उनकी सुसाइड अटेम्प्ट जो है वो कर भी सकते हैं। तो ये इनमें चीज़ें बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल लेवल पे हाई हैं, जिनको एड्रेस होने की ज़रूरत है एट लार्जर लेवल। तो भी स्पाइना आपने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, और इसी चीज़ को मतलब लेकर आगे चलते हैं। और मैं चाहूँगी कि जब इस तरह के साइकोलॉजिकल मतलब इफेक्ट्स आ रहे हैं एक विक्टिम पे, तो ऑब्वियसली वो अपनी फैमिली में भी रह रहा है, उसकी फैमिली को भी पता चलता है, तो फैमिली किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करती है, फैमिली को किस तरह के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि डॉक्टर नूर इसको बताएं कि अर्ज करें। थैंक यू वेरी मच जी। मैं इसको जो भी डॉक्टर साहब ने बताया साइकोलॉजिकल जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके हवाले से, तीन चीज़ें होती हैं जिसके गिर जे सारा सिलसिला इनका घूम रहा होता है। यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द विक्टिम और आई एम टॉकिंग अबाउट द फैमिली एज वेल। वो है होप, फियर एंड एक्सपेक्टेशंस। बेसिकली इसके अंदर ही इनका जो है सारा सिलसिला चल रहा होता है कि हर वक्त उम्मीद भी रहती है, साथ खौफ भी है और साथ यानी जिसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन, लेकिन ऐसा नहीं होता। फैमिलीज को मैंने जहाँ तक भी देखा है कि बहुत सारी फैमिलीज जब इस कंडीशन से गुजरती हैं, दे आर सर्टन, खास तौर पे ऐसे लोगों की जगह पे, मैं अगेन बात पहले भी विमेन के बारे से कर रहे थे, क्योंकि तो हमारा भी काम ज़्यादा विमेन के साथ होता है, कि वहाँ पे जो उनकी माएँ हैं बच्चियों की, मैंने उनको ये देखा है कि दे फील हेल्पलेसनेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि
डिसीजन वो नहीं ले सकती और डिसीजन मेकिंग पावर में नहीं है, उस वजह से वो प्रॉब्लम में आती है। और इसी तरीके से जो बहुत सारी जो फैमिलीज हैं उनमें भी डिप्रेशन नज़र आती है, उनमें भी क्या कहते हैं अपना एंग्जाइटी भी कुछ ना कुछ नज़र आती है, और इसी तरीके से फियर इज समथिंग जो कि उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये जहाँ तक फैमिलीज का ताल्लुक है उस पर ये बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और ऑफकोर्स डिस्क्रिमिनेशन तो होती ही है, ख़ास तौर पे ऐसे जो कि विक्टिम्स हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो दे एंटर इनटू अनवांटेड प्रेगनेंसीज एज वेल, और अनवांटेड प्रेगनेंसीज की वजह से वो वहाँ पे अपनी कम्युनिटीज में एक नया किस्म का इस सिलसिला शुरू हो जाता है। पीपल स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिंग दैट फैमिली, पीपल स्टार्ट स्टिग्मेटाइजिंग दैट फैमिली, तो ये इश्यूज भी होना शुरू हो जाते हैं। जी अब आवाज आ रही, मेरा ख्याल उनका कनेक्शन। डॉक्टर फैजा आप कर लीजिए, डॉक्टर फरहान आगे बात कर लीजिए। हाँ जी जी, मेरा ख्याल है कि जो बाकी दो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बड़ा इसको जो है वो डिटेल तरीके से हमें बताया कि इसके जो हैं वो साइकोलॉजिकल जो है वो इम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। एक चीज़ जो है वो मैं जिसमें जो है वो ऐड करना चाहूँ, जो मैंने अपनी रिसर्च में भी देखा है और बाकी और भी जो स्टडीज हैं उन्हें मैंने देखा है। अब उसका टेक्निकल क्या उसका नाम है, मेरा ख्याल है वो जो हमारे साथ डॉक्टर साहिबा हैं वो बिल्कुल बेहतर बता सकें कि जो लोग जो है इस प्रोसेस से गुजरते हैं, ठीक है, तो इस ट्रॉमा से जो है वो गुजरते हैं तो उनमें टेंडेंसी फिर हो जाती है कि इस प्रोसेस से गुजरने के बाद वो खुद से जो है फिर इस प्रोसेस में जो है वो शामिल हो, मतलब खुद जो है जैसे मैंने बात की तो रिक्रूटर बन जाते हैं, ठीक है, जो अच्छा कि हमारे साथ तो ये हुआ वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उससे जो है बाकी लोगों को जो है वो उसमें से जो है जो ट्रैप करना जो है वो शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ जो है मैंने वो देखी है कि वो साइकोलॉजिकली जो है, अब उसमें डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं कि साइकोलॉजिकली इसमें जो है हम लोग क्या उसको टाइम यूज करें। एक और चीज़ इसमें से जो है वो हमें नज़र आती है एज ए सोशियोलॉजी से कि अनफॉर्चुनेटली कि जब ये केसेस रिपोर्ट होते हैं तो उसमें एक चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट है कि जो ब्लेम है तो ब्लेम सारा का सारा दे दिया जाता है विक्टिम को अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, तो बजाय इसके कि जो विक्टिम है उसको हम सपोर्ट करें, ठीक है, क्योंकि उनकी जो है वो हम लोग असिस्ट करें सपोर्ट करें कि वो सोसाइटी में जो है रीइंटीग्रेट करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सोसाइटल एटीट्यूड्स जो हैं या हमारे जो बिहेवियर हैं वो इस तरह के हैं कि हम लोग जो हैं उनको जो है फिर वो विक्टिमाइज करना शुरू कर देते हैं कि अगर किसी को जो है वो फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल एक्सप्लॉइट किया गया तो फिर उसको भी जो है जो डॉक्टर साहब ने कहा स्टिग्माटाइज कर दिया, उसकी पूरी फैमिली को जो है वो स्टिग्माटाइज जो है वहाँ पे जो है वो फिर इसने कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा किया है या इस तरह की चीज़ है, यू नो कि वो जो इंडिविजुअल है तो ब्लेम उसको, जिसकी वजह से जो है जो शख्स है उसकी रीइंटीग्रेशन जो है वो बहुत एक जो है एक मुश्किल जो है वो टास्क जो है वो बन, क्योंकि सोसाइटी जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो हमें एज ए सोसाइटी पहली बात एक चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है इट्स रियलिटी, ठीक है ना, ये एक हकीकत है कि जो हमारी सोसाइटी में जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, एंड दिस थिंग कैन हैपन विद एनीबॉडी। ये वो चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि जी ये फलां का इशू है ये फलां का, नहीं ये मेरा भी इशू है, ठीक है, मैं भी इसी सोसाइटी का पार्ट हूँ। दिस थिंग कैन हैपन विद एनीबॉडी, जैसे मैंने बात की जी इसमें आप देखेंगे वो में किडनैपिंग जो है वो हमें जो है वो नज़र आती है वहाँ पे, तो इसमें आप देखें तो इसमें कोई भी जो है वो यस कुछ जगहों पे वल्नरेबिलिटीज ज़्यादा हैं बट एनीबॉडी बिकम विक्टिम ऑफ इट।
तो हमें एज ए सोसाइटी जो है इस चीज को रियलाइज करने की जरूरत है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग सोशल इवल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमें मिलकर लड़ना है उन लोगों के खिलाफ कि जो लोगों को, इंसानों को जो है वो अपने फायदे की खातिर जो है उनको जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं। हमें उन लोगों को जो है वो सपोर्ट करना है कि जो जो है इसका जो है वो विक्टिम जो है वो बनते हैं, ठीक है, हर लिहाज से, चाहे वो हम लोग साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात करें, चाहे वो इकोनॉमिक सपोर्ट की बात करें, चाहे सोशल सपोर्ट की बात करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है हमें पर्टिकुलरली पाकिस्तान के वाले से हमें अगर हम बात करें तो हमें इस तरह का जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैकेनिज्म जो है वो नज़र नहीं आता। और जब तक ये मैकेनिज्म नहीं होगा तब तक जो है हम लोग वो विक्टम्स को सर्वाइवर्स नहीं बना सकते, ठीक है ना। तब तक तो वो जो विक्टम मूड है या विक्टम के प्रोसेस है वो तो निकलेंगे नहीं वो लोग, जब तक हम लोग उनको इंटीग्रेट नहीं, तो कैसे वो सर्वाइवर जो है वो बनेंगे। और इसमें पर्टिकुलरली अभी जो रिसेंट ये यूएस जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है उनकी ट्रैकिंग इन पर्सन रिपोर्ट आई है, तो उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग दोबारा जो है वो टीयर टू से टीयर टू वॉच लिस्ट जो है डाउनग्रेड कर दी गई है। और उसमें जो मेन रीज़न है वो ये है कि पाकिस्तान ने जो है, ठीक है, हमारे पास लॉज अच्छा है, हमने बड़ी अच्छी लेजिस्लेशन कर ली, उसमें से डिफरेंट लॉज लिया, स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट ट्रैफिकिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हो गया, केसेस उनके खिलाफ जो हैं वो हो रहे हैं, बट व्हाट अबाउट देयर यू नो लॉन्ग टर्म वल्नरेबिलिटीज, कैसे, अब ठीक है आपने उनको प्रोटेक्ट कर लिया, आपने उनको शेल्टर्स में जो है वो ले आए, आपने केसेस रजिस्टर कर लिया, बट जो विक्टम्स हैं, विक्टम्स को आप कैसे रीइंटीग्रेट करेंगे। तो इस हवाले से जो है हमें जो है वो नज़र आता है कि हम लोग जो है वो लैक कर रहे हैं, और इसी रीज़न की वजह से जो है हमें फिर जो है हमारा स्टेटस को डाउनग्रेड कर दिया गया है फ्रॉम टीयर टू टू टीयर टू वॉच लिस्ट। तो इस इशू पे जो है बहुत ज़्यादा काम करने की जो है वो ज़रूरत है कि जो स्पेशल जो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, उनको जो है सोशल सपोर्ट चाहिए और इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए, कि उस पर जो है काम करने की ज़रूरत है, स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो है इन विक्टम्स को जो है हम लोग रीइंटीग्रेट कर सकें मेन स्ट्रीम सोसाइटी में। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि बहुत से केसेस, जिस तरह से बाकी पैनलिस्ट ने बात की, कि जो परपेट्रेटर्स हैं वो उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं। नाउ इमेजिन कि अगर आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर भी आपकी एक्सप्लॉयटेशन में इन्वॉल्व हैं तो आप कहाँ पर जाएंगे? आपके पास क्या ऐसा मैकेनिज्म हमने दिया है कि एक जो खातून है, एक जो बच्चा है, तो वो जो है वो अगर सर्वाइव करना चाहे या इस विक्टिम मोड से निकलना चाहे, क्या उसके लिए स्पेस अवेलेबल है, क्या उसके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, क्या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग उसके पास जो है वो अवेलेबल है। तो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो सीरियसली जो है वो सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो मिस फैजा, मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने हाईलाइट कर दिया बहुत अच्छे तरीके से कि साइकोलॉजिकल इशूज क्या हैं और फैमिलीज को भी इस तरह से सर्वाइव करना पड़ता है, तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगी कि जब एक सर्वाइवर है जो ट्रैफिकिंग का, उसको और उसकी फैमिली को हम किस तरह से बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, उन्हें इम्प्रूवमेंट किस तरह से लाई जा सकती है? जी मैडम, इसमें जैसे मैंने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बताते हुए बताया था कि विक्टिम लेवल पे क्या होते हैं, सेल्फ ब्लेम या उनमें वर्थलेसनेस या ऑल दी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंटेंस फॉर्म में हमारे सामने आती हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वही कल्चर बिलीफ के वो अपने साथ जो उनका मिसहैप हुआ है उसकी वजह से उनकी वर्थलेसनेस भी नहीं है, और वो वही स्टिग्मा और वही जो उन्होंने अपनी फैमिलीज को भी डिफेम करवाने में वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि देर आर मेनी विक्टम्स के जो इन टच हैं अपनी फैमिली से, वो रह नहीं रहे फैमिली के साथ, डिफरेंट रीजंस अभी अभी डिस्कस हुई हैं, उन वजह से वो रहते तो नहीं है लेकिन वो बिल्कुल इन टच हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि विक्टम्स के थ्रू उनकी फैमिलीज को कॉन्टेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अपने बहुत ज़्यादा डेटा में से मैं सिर्फ 2-3 विक्टम्स ऐसे थे जिनसे विक्टम्स के थ्रू उनकी फैमिली से भी मेरी बात हो सकती थी। बाकी वो ज़ाहिर है स्टिग्मा की वजह से वो खुद भी एक्सपोज नहीं करना चाहते अपनी फैमिली को, और मेरी रिसर्च का खैर ये पर्पज़ नहीं था, लेकिन उन 2-3 फैमिली से बात करके और उनको काउंसल करने की वजह से मैंने देखा कि उनका भी स्ट्रेस लेवल बहुत जो है ना उन्होंने रिलीव फील किया था। कुछ ने अपनी बच्चियों को इस में
ही रखा हुआ था उसी स्टिग्मा की वजह से और फैमिली क्रिटिसिज्म और बायकॉट की वजह से, क्योंकि फैमिली को भी डिसइंटीग्रेट किया जाता है और उन्हें भी लैक ऑफ सोशल सपोर्ट का सामना करना पड़ता है अगर फैमिली में से किसी के साथ ये मिसहैप हो जाए। प्लस ये कि हमारा वही जैसे कल्चर फैक्टर्स बार बार मैं हाईलाइट कर रही हूँ, तो वो ये समझते हैं कि इसके वजह से हमारे दूसरे बच्चों पे भी एक जो है वो स्टिग्मा उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उस फियर से भी वो इन टच उस तरह नहीं होते। लेकिन हाँ जी, हम ये रोज रे कर सकते हैं सब लोग इंटीग्रेटेड सर्विसेज के थ्रू कि हम उन विक्टिम्स की रिहैबिलिटेशन के साथ साथ उनको री इंटीग्रेट करने के साथ साथ अगर हम उनकी फैमिलीज को भी कॉन्टैक्ट करें, तो हमारे पास ऐसी थेरेपीज हैं, ऐसे काउंसलिंग प्रोग्राम्स हैं जो हम उनकी फैमिली से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि उनका डिस्ट्रेस भी जो है वो रिड्यूस हो जाए। ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं हमारे पास कि जिससे वो अपनी सोशल सपोर्ट को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, तो वो उस सारे चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें रीच आउट करना पड़ेगा उन फैमिलीज को, उन विक्टिम्स को। तो जो बेस्ट अप्रोच मुझे समझ आती है वो हम, क्योंकि इन विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करना सम हाउ डिफिकल्ट, तो खैर ये भी बहुत है, लेकिन सम हाउ इनको आइडेंटिफाई करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर कि हम फैमिली से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें। तो इन विक्टिम्स के थ्रू अगर हम उन फैमिलीज को रीच आउट करें और उन तक हम अपनी काउंसलिंग या थेरेपी, जैसे मैं कह रही हूँ कि ऐसी थेरेपी हैं जो फैमिलीज के लिए भी डिज़ाइन की होती हैं हमें, तो हम उन फैमिलीज को रीच कर सकें और फिर उनके स्ट्रेस लेवल को, उनके स्टिग्मा लेवल को हम किस तरह से रिड्यूस करने में उनकी हेल्प कर सकें। ऑल टुगेदर ये सारा पैकेज हेल्प करेगा उनके स्ट्रेस लेवल को और उनकी जो ब्लेमिंग लेवल को, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा फेस किया होता है, जो रियलिटी में फेस किया होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए। प्लस ये कि कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को इन्हेंस कर सकते हैं। तो इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए डेफिनेटली कोई एक रिसर्च वर्क, किसी डिग्री प्रोग्राम, PhD की हो या MPhil की हो, वो सफिशेंट नहीं है। इसके लिए लार्जर लेवल पे, जैसे मैंने पहले कहा है कि रूट को आइडेंटिफाई करने के लिए, एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी कंट्री के लॉ को देखने के लिए कि वो कैसा वर्क कर रहे हैं इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए, इसी तरह से लार्जर स्केल पे ज़रूरत है इन फैमिलीज को आइडेंटिफाई करने की और उनके लिए ऐसे थेरेप्यूटिक प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल लेवल का काम नहीं है, ये इंटीग्रेटेड लेवल का काम है। और इसके लिए डेफिनेटली बहुत से रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। अपनी रिसर्च तक मैं जितने यूज़ कर सकती थी या मैं थेरेपी जितनों को प्रोवाइड कर सकती थी वो हो गया, लेकिन ये सिर्फ उन तक जो है ना ज़ाहिर है लिमिटेड तो नहीं होना चाहिए। तो ये लार्जर लेवल पे इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी रिक्वायर्ड है और इसके लिए हमें सारे जो चैनल्स हैं उसको यूटिलाइज करते हुए इन फैमिली तक जो पहुँचना चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट की भी उसमें हमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए, क्योंकि वो सेफ फील करेंगे तो एक साइकोलॉजिस्ट को अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, वो सेफ फील करेंगे तो हमारी थेरेपी उन तक इम्प्लीमेंट जो है वो हो सकेगी। तो मेरा तो ख्याल यही है, ये जो प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं क्योंकि ये उन फैमिली तक एटलीस्ट पहुंच जाते हैं, असेस कर लेते हैं, तो इसी में कोई एक रोल साइकोलॉजिस्ट का होना चाहिए कि जो ये सर्विसेज उन तक, क्योंकि वो हर एक पे ट्रस्ट, फैमिलीज भी और विक्टिम्स भी, जैसे मैंने कहा है कि ट्रस्ट क्योंकि उनका ब्रेकअप हुआ होता है तो जिसकी वजह से वो नहीं ट्रस्ट करते किसी पर भी, तो उनका ट्रस्ट अगर एक पार्टी उन तक रीच करके कर रही है और वो एक पार्टी जो है उनका ट्रस्ट विन कर रही है, तो वो सब पे नहीं कर सकते कि वो हर एक को अपनी इन्फॉर्मेशन, और ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी है कि वो लॉ वालों को अलहदा दें और वो प्रोजेक्ट वालों को अलहदा दें और वो एक साइकोलॉजिस्ट को अलहदा दें, क्योंकि तो सारे नेटवर्क में भी वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं, सफोकेटेड फील करते हैं कि इन्फॉर्मेशन इतने सारे लोग ले रहे हैं, इतने सारे सोर्सेज ले रहे हैं, तो हेल्प हमें बेसिकली क्या हो रही है। तो एक इंटीग्रेटेड वे में उन तक अप्रोच करने की ज़रूरत है कि उनको फाइनेंशियल, लीगल और साइकोलॉजिकल हेल्प जो है वो साइड बाय साइड अवेलेबल है। मैं ये भी जानना चाहूँगी आप लोगों से कि जैसे अभी मिस फायदा ने बात की है, तो मतलब हम क्या देखते हैं स्पेशली डॉक्टर फरहान और डॉक्टर रूम, से मैं ये जानना चाहूँगी कि व्हाट डू यू थिंक कि हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसीज हैं जिनको हम इम्प्लीमेंटेशन जिन पे करते हुए इस ट्रैकिंग के बढ़ते हुए रुझान को कम कर सकते हैं या इस पर बेहतरी ला सकते हैं। अच्छा, जस्ट टू स्टार्ट विद, मैं पहले ये लिख के बैठा हुआ था कि मैंने कहा एक चीज़ तो आपको जो देखना पड़ेगी, पॉलिसीज हैज़ टू बी रिविजिटेड। इस वक्त सिर्फ जो पॉलिसीज बनी हुई हैं वो ये है कि किस तरीके से हमने जो मेजर जो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं लोग
उन लोगों को कैसे पकड़ना है, या हमें जो डिपोर्टीज हैं उनके साथ कैसे सलूक करना है और क्या चीज़ करनी है। पॉलिसीज में जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है दैट इज रिलेटेड विद द अवेयरनेस एंड एडवोकेसी, ये दो इशू जो है ना इसके ऊपर अभी तक पॉलिसीज में उस तरीके से चीज़ें नज़र नहीं आती। एडवोकेसी कैंपेन्स भी चलानी पड़ेंगी ताकि पॉलिसी इम्प्लीकेशन जो है इसकी उसको देखा जाए। इस तरीके से साथ साथ हमें अवेयरनेस कैंपेन्स भी करना पड़ेंगी, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब ने जो बात की अभी रिसर्च के हवाले से, एक तो PhDs के साथ काम नहीं बनेगा, हमें बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करवाना पड़ेगी कि ट्रैफिकिंग को, क्योंकि हमने देखा ये है डॉक्टर साहब ने बहुत मुश्किल टॉपिक ये सिलेक्ट किया था जिस पर ये रिसर्च करने लगी थी, क्योंकि पहली बात तो यह है कि आप ट्रैफिकिंग पे रिसर्च कर रहे हैं और फिर विमेन पे कर रहे हैं, और मुझे याद है कि कितना मुश्किल हुआ ये डेटा इकट्ठा करना, और इनको डेटा इकट्ठा करने में ही एक बहुत बड़ा टाइम लग गया था। तो मेन चीज़ ये है कि रिसर्च इस पर जितनी ज़्यादा होगी उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वी विल बी हैविंग एविडेंसेस, और एविडेंसेस के साथ जो है हम चीज़ें कर सकेंगे। दूसरा हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में एक ट्रेंड है बहुत ज़्यादा कि क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव रिसर्चेस तो हम बहुत करते हैं, क्वालिटेटिव की तरफ हम कम जाते हैं। डॉक्टर फरहान यहाँ पे बैठे हुए हैं एंड ए वुड बी एग्रीइंग विद मी कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ट्रैफिक के हवाले से क्वालिटेटिव रिसर्चेस करने की ज़रूरत है, उनके फैमिलीज के साथ करें या डायरेक्ट विक्टिम्स के साथ करें, या फिर ये है कि जो लोग पर्टिकुलरली इसके दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनके हवाले से करें, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स, अभी हमारी तो कोऑर्डिनेशन होती रहती है एकेडेमिया के साथ भी होती है, बीइंग एन NGO इसी तरीके से हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ होती है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के साथ होती है, लेकिन ओवरऑल किसी एक टेबल पे ये इकट्ठे बैठ के कभी भी इन्होंने बात नहीं की ट्रैफिकिंग के हवाले से। अगर कैमल जॉकी का इशू था तो उसमें ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए, क्योंकि बच्चों का एक बहुत बड़ा इशू था और उसमें यूनिसेफ क्योंकि फंडिंग एजेंसी थी तो उन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया। इसी तरीके से जो इकट्ठा करने की ज़रूरत है जिसमें एकेडेमिया को भी लाना चाहिए, जिसमें NGOs को लेके हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को लेके हैं, उनको इकट्ठा करें, कोई नेटवर्किंग का प्रोसेस होना चाहिए, नेटवर्किंग भी हो, लिंकेज स्ट्रांग हो, तभी ये चीज़ें जो है ये इसको हम कम कर सकते हैं। कमिंग डाउन टू द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजिस्ट का होना इस सारे प्रोसेस के दौरान। हमने देखा है कि लोग जिस वक्त डिपोर्ट होके आते हैं उनको डायरेक्ट जब वहाँ से लेके जा रहे होते हैं और उनकी फैमिलीज की जो कंडीशंस हो रही होती हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि एयरपोर्ट के ऊपर बकायदा बेहोश हो रहे होते हैं जिस वक्त उनके जो अपना बच्चों को जो है लेके जा रहे होते हैं और उनको उनके हवाले नहीं कर रहे होते। और एक भी मैंने जैसे पहले कहा कि फियर का एलिमेंट जो है इसमें होता है, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें बहुत सारे इंटीग्रेट करने पड़ेंगे प्रोग्राम, मिलकर चलना पड़ेगा हम लोग, यानी रिसर्चिस के जितने मौके हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ्राहम कर सकते हैं एकेडेमिया को तो वाई नॉट। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ जो है हम अपना देख सकते हैं, और अवेयरनेस की मैंने बात की, रिसर्च की बात की, और दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो मैंने नोट किए हुए थे कि इसके हवाले से हमें क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगर हम लोग लेजिस्लेशन के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में जो पहली इस पे लेजिस्लेशन है वो 2002 में हमें नज़र आती है, जिसको पैक्टो भी कहा जाता था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस, कॉर्डिनेंस था और उसमें जो है इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग इशू को डिफाइन किया गया। उस लेजिस्लेशन में बहुत ही शॉर्ट कमिंग्स थी, ठीक है, उसमें फॉर एग्जांपल के भी वहाँ पर ट्रैफिकिंग को सिर्फ जो है वो क्रॉस बॉर्डर जो है मूवमेंट के तौर पर डिफाइन किया गया हुआ था, मतलब इसमें इंटरनल ट्रैफिकिंग मेंशन नहीं थी। फिर जो है वहाँ पर जो है स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग को डिफ्रेंशिएट नहीं था किया गया हुआ। तो रिसेंटली जो है 2018 में फिर जो है नई लेजिस्लेशन की, जिसमें जो है दो एक्ट जो है वो पास हुए, प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स एक्ट और दूसरा था प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट एक्ट 2018 में। तो ये एक बड़ी जो है एक कम्प्रिहेंसिव एक लेजिस्लेशन है
जिसमें हमने जो है उसको ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स को जो है स्मगलिंग से जो है वो डिफरेंशिएट भी कर दिया। उसमें ये हमने बाकी जो चीज़ें जो बात कर रहे हैं कि जिसमें से जो है उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से, उनकी असिस्टेंस के हवाले से सारी चीज़ें हैं। तो लेजिस्लेशन अब हमारे पास आ गई। पहले रियली हमारे पास जो चीज़ लैक कर रहे थे वो अच्छी लेजिस्लेशन की थी, अब वो हमारे पास एक्ट आ गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है हमें वहाँ पर जो है उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नज़र नहीं आती। मुझे नहीं पता कि अभी जो है रिसेंट स्टेटस क्या है। तो कुछ अर्से पहले तक तो जो है उसके जो वो रूल्स थे वो अभी फ्रेम हो रहे थे कि जो ये एक्ट है इसको जो है वो कैसे जो है वो अप्लाई किया जाए। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है एक्चुअली, तो हम लोगों के मोस्ट केसेस में जो है हम लोग लॉस तो हमारे एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और ये जो नई लेजिस्लेशन है इसमें जो एक थोड़ी सी जो चैलेंजिंग है, अच्छी बात यह है कि मैंने जिस तरह से आपको बताया कि इसमें जो है हमने ट्रैफिकिंग को पैदा कर दिया स्मगलिंग से, ठीक है। फिर हमने बड़ा क्लियरली इसके अंदर डिफाइन कर दिया कि ट्रैफिकिंग जो है वो विद इन कंट्री भी हो सकती है, क्रॉस बॉर्डर भी हो सकती है, वो इंटरनल भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है। तो इसके अंदर अब ये प्रोविजन दे दी गई कि पहले जो था, पहले ट्रैफिकिंग को जो है वो एक्सक्लूसिवली जो है वो डील कर रही थी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA जो हमारी है, ठीक है। अब लेकिन जब हमने उसमें इंटरनल ट्रैफिकिंग को भी इंक्लूड कर दिया और जो रिपोर्ट्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की पाकिस्तान के बारे में, तो वो क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी है ट्रैफिकिंग के केसेस वो इंटरनल ट्रैफिकिंग के हैं, ठीक है। तो ये एक जो है वो सीरियस इशू है पाकिस्तान का। तो उसके लिए अब जो है वो मैंडेट आ गया पुलिस के पास, ठीक है। लेकिन पुलिस के पास जो है अभी उस तरह की जो है वो ट्रेनिंग नहीं है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है क्या, कैसे जो है विक्टिम को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें मुझे पता है कि जो है UNODC जो है वो कुछ जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो उसमें ट्रेनिंग करवा रहा है, इसमें पुलिस की और FIA की। तो इसमें हमें लेकिन मज़ीद आगे काम करने का, अब इसमें जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो चीज़ हमें करने की वो है, एक पहली चीज़ तो यह है कि हमारे पास अच्छा डाटा होना चाहिए, ठीक है ना। जब तक डाटा नहीं होगा हमें नहीं पता चलेगा कि पाकिस्तान में सिचुएशन है क्या, प्रॉब्लम है क्या, कौन से फैक्टर्स हैं जो लीड कर रहे हैं ट्रैफिकिंग को, कौन कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हैं इसके अंदर, परपेट्रेटर्स कौन हैं, विक्टम की प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें वो डाटा से जो है मिलेंगी। दूसरी चीज़ जो हमें जो है वो करने की ज़रूरत है कि एज ए सोशियोलॉजिस्ट जो मैं बार बार जिस चीज़ की बात करता हूँ कि हमें जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को सिर्फ जो है क्राइम एज एन इशू क्राइम नहीं लेना चाहिए, इट्स ए सोशल इवल, ठीक है ना। क्योंकि जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको क्राइम की हद तक जो है वो, जब क्राइम तो डेफिनेटली है लेकिन जब हम सिर्फ इसको क्राइम की बात करते हैं तो हमारा फोकस जो है वो चला जाता है कि जी अच्छा जी परपेट्रेटर्स कौन है, उनको पनिश करें जी, उनकी इतनी सज़ा होनी चाहिए, इतना फाइन होना चाहिए। वो सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, बट व्हाट अबाउट विक्टिम्स, विक्टिम्स के लिए जो है हमें ठीक है सज़ा उनकी होगी, बट विक्टम्स के लिए क्या, उनकी कुछ शॉर्ट टर्म नीड्स हैं कि उनको इमीडिएट प्रोटेक्शन आपने देनी है, ठीक है। वहाँ से निकल इमीडिएट प्रोटेक्शन है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, फिर हो सकता है कि उसमें जो है दूसरे मुल्कों से विक्टम्स आएँ तो वहाँ पर फिर आपने लीगल असिस्टेंस है, फिर अगर वो वापस जाना चाहते हैं तो कैसे उनको वापस भेजेंगे, यहाँ पर रहना चाहते हैं क्या उनके लिए जो है वो मैकेनिज़म होगा, ठीक है। फिर जो उनकी लॉन्ग टर्म जो है वो सर्वाइवल, जैसा मैं पहले बात कर रहा था, अगर बच्चे हैं तो उनके लिए लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए क्या आपके पास है, कोई इंस्टीट्यूशन है कोई इस तरह से, या उनकी कोई इकोनॉमिकली या सोशल जो है रिहैबिलिटेशन के लिए कोई सिस्टम आपके पास है, इस तरह का कोई इदारे आपके लिए इस तरह से बनाए हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमें थोड़ा सा जो है ना वो सीरियस एफर्ट करने की जो है वो ज़रूरत है कि हम लोग जो हैं यहाँ पर उनकी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों जो है हम लोग उनकी नीड्स और वल्नरेबिलिटीज को लेकर चलें और उसके लिए जो है काम, उसके लिए मेरे नज़दीक जो है फिर बहुत ज़रूरी है कि जो डिफरेंट जो है वो स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको मिलकर चलने की जरूरत है, ठीक है। उसमें लॉ इन्फोर्समेंट है, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें फिर जो एकेडमिक्स हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इसमें जो है वो स्टडीज करें, हमारे साथ डाटा शेयर करें। पर्टिकुलरली डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की थी और ये अब हमें ट्रेंड भी नज़र आता है कि पहले आप देखें तो ग्लोबली जो ज़्यादा उसमें रिपोर्ट्स आती है नंबर पे अपना फोकस करती हैं क्योंकि इतने विक्टम्स हैं इतने स्पर्म, अब आप देखें तो वो ज़्यादा जो है उनका नंबर के साथ साथ वो फोकस कर रही हैं
तो ये प्रोसेस किस तरह से था, कैसे उनको रिक्रूट किया गया, कौन इसके अंदर शामिल था, ठीक है, किस तरह से उनको जो है वो एक्सप्लॉइट जो है, तो अब हमें जो है ज़्यादा जो है उसमें जो केस स्टडीज चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये प्रोसेस जो है वो होता किस तरह से, क्या स्टेप इन्वॉल्व है, कौन इसके अंदर जो है वो परपेट्रेटर है, ठीक है। यहाँ पर एकेडमिक्स का रोल है, इसी तरह से एनजीओ का बहुत प्रोमिनेंट रोल है कि जिस वक्त सर्विस प्रोविजन की बात आती है कि जो विक्टिम्स हैं उनको शेल्टर देना है, लीगल असिस्टेंस देनी है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देनी है, तो यहाँ पर फिर एनजीओ का, और उस लॉ के अंदर भी ये चीज़ दी हुई है कि जो है गवर्नमेंट जो है वो एनजीओ के साथ मिलकर ये सर्विसेज देगी, तो एनजीओ को ऑन बोर्ड लेने की जो है वो जरूरत है, मीडिया को जो है उसमें से ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है, अवेयरनेस करनी है। हमें पता है कि इस वक्त जो है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और जो सोशल मीडिया हमारा है ये बड़ा प्रोमिनेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है, ठीक है, हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, ठीक है, इसके बारे में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। इसी तरह से आई विल स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि जी जो हमारा जो करिकुलम है, डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल ठीक बात की कि इसमें जो है एक PhD का जो है उसे, यस वो तो उस पर इनफ नहीं है, तो इस पे हमें जो है वो बकायदा जो है अपनी यूनिवर्सिटी में जो है कोर्स जो है वो उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है लोग, फॉर एग्जांपल जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी एक अपनी डोमेन है कि वो उस पर काम करें, क्योंकि इसमें से साइकोलॉजिकल ट्रामा जो है उनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, क्या है उसमें से कैसे जो है ओवरकम कर सकते हैं, सोशियोलॉजिस्ट का अपना रोल है कि जिसमें सोसाइटल जो फैक्टर हैं, जो वल्नरेबिलिटीज हैं, कैसे रोल प्ले करते हैं, कैसे जो है जो सोसाइटी में हम लोग बिहेवियर की बात करते हैं एटीट्यूड के, कैसे उस पर काम जो है किया जा सकता है। इसी तरह से इकोनॉमिस्ट हैं जो बात कर सकते हैं कि जी इस पर जो है इकोनॉमी के हवाले से इसका क्या जो है वो रोल है, ठीक है, तो इसमें जो है हमें फिर जो डाइवर्स बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको शामिल करने की जो है और मिलकर जो है, अगेन ये एक ऐसा इशू है कि जिसको हम लोग आइसोलेशन में जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें जो है सब ने जो है वो मिलकर काम करना है, सब ने इस चीज़ को रियलाइज करना है कि हमने जो है अपनी सोसाइटी से उस लानत से जो है उसको वो आज़ाद करना है, छुटकारा पाना है, और हम सब ने जहाँ जहाँ पर हम हैं हमने वो रोल जो है वो प्ले करना है। तो मेरे ख्याल में लेजिस्लेशन आ गई है, अब अगला स्टेप ये है कि हम लोग उस लेजिस्लेशन को किस तरह से बेहतर तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर। थैंक यू, सो इसके साथ ही मैं बस ये एंड करना चाहूँगी, और लेकिन लास्टली बस बीइंग प्रोफेशनल बिकॉज आप सब यहाँ पे हैं, और मैं एक बस आप लोगों से सजेशन लास्ट चाहूँगी कि आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे कि और इंडिविजुअल लेवल हम लोग क्या रोल प्ले कर सकते हैं ट्रैफिकिंग को कम करने में या इसको ख़त्म करने में, एक इंडिविजुअल का रोल क्या हो सकता है। आई जस्ट नीड योर सजेशन और इस लास्ट क्वेश्चन। जी मेरा सजेशन, हाँ सजेशन तो ओवरऑल यही है कि जिस तरह से अब डॉक्टर नूर ने और डॉक्टर फरहान साहब ने भी बात की है कि यही जो पहले मैं भी कह रही थी कि इंटीग्रेटेड जो हमारी सर्विसेज हैं, जैसे एक अच्छा इनका सजेशन है कोर्स इंक्लूड कर दिया जाए कि फिर डिग्री इन टर्म ऑफ, जैसे मैंने कहा था कि एजुकेशन तो है लेकिन ये कि अवेयरनेस इस तरह से इंक्रीज हो सकती है, तो फंडिंग एजेंसीज, हाँ जी डॉक्टर नूर ने बिल्कुल सही कहा है कि इस तरह से एक आध डिग्री का ये रूल नहीं है कि उसमें रिसर्च करके कुछ इंप्रूव कर दी जाए, तो इसमें हमें जैसे लार्जर स्केल पे सर्वेज हो रही है तो हमें स्टडीज भी लार्जर स्केल पे करनी चाहिए, और क्वालिटेटिव ऑफकोर्स मैंने एस्पेक्ट देखा, थेरेपी भी देखी, लेकिन लार्जर स्केल पे भी डॉक्टर नूर सही कह रहे हैं कि हमें रिसर्च की जो जरूरत है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, सिर्फ सर्वेज करवा के हर क्वान्टिटेटिव उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, क्वालिटेटिव की बातें मैंने की हैं वो मैंने अपने विक्टिम से क्वालिटेटिवली इंक्वायर की, लेकिन ऐसी स्टडीज़ को फंडिंग एजेंसी के थ्रू स्पॉन्सर करके लार्जर स्केल पे होना चाहिए ताकि हम ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर सकें और उन तक जो है ना असेस कर सकें, वही सेम बात साइकोलॉजिकल सर्विस के लिए भी। तो सजेशन तो सबसे बड़ी यही है क्योंकि फैमिली तक भी रीच आउट तभी किया जा सकता है, सिर्फ विक्टम्स या ट्रैफिक जो मैनिपुलेट लोग हो गए उनके अलावा
मैंने जो अपनी रिसर्च के बाद सजेशन दिए हैं वो ये कि हमें वैसे अदरवाइज भी सोसाइटी में एक अवेयरनेस लेवल रेज करना चाहिए, क्योंकि ये वो इश्यूज हैं जो स्टिग्माटाइजिंग हैं और पीपल जनरली डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम, और इन चीज़ों से दूर रखा जाता है फैमिलीज अपने बच्चों को और अपने जो सिग्निफिकेंट अदर्स हैं उन तक इंफॉर्मेशन डिस्कस करने में अभी भी हेजिटेशन हैं, टैबूज इन्वॉल्व हैं. तो हमें इन टैबूज को बट देयर एग्जिस्टिंग ये चीज़ को हाईलाइट करके कि जो एग्जिस्ट कर रही है चीज़ और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई सब पॉपुलेशन या कोई सब कैटेगरी उसका शिकार हो सकते हैं, वो हम सब भी मैनिपुलेट हो सकते हैं. जनरली जिस तरह लाइफ में हम मैनिपुलेट हो जाते हैं, हर कोई हो जाता है, तो ये मैनिपुलेशन थोड़ी सी सिवियर फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन है. तो हमें अपने मीडिया क्योंकि अब बड़ा स्ट्रांग है, अब हम नहीं कह सकते कि हम कोई चीज़ को उस तरह से कन्वे नहीं कर सकते लोगों तक. जैसे अब ये कोविड वाली सिचुएशन चली है तो भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रेज की गई है और लोगों ने उस पर खैर फॉलो किया भी है काफ़ी हद तक. तो उसी तरह से ऐसे सेंसिटिव इशूज को भी करना चाहिए, हमें अवेयरनेस जो है वो देनी चाहिए किस तरह से इन मैनिपुलेशन या फ्रॉड चीज़ों से लोगों से कैसे प्रोटेक्शन की जा सकती है, सेफ्टी कैसे इन्हांस की जा सकती है अपनी और अपने घर वालों की, अपने सिग्निफिकेंट अदर्स की. तो इसी तरीके से ही जो है ना चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं. यानी कि जो मेरा कहने का मतलब है वो ये कि प्रिवेंशन लेवल पे भी हमें काम करना चाहिए. यानी कि ट्रैफिकिंग हो गई है उसके लिए तो चलो उसके लिए भी इंटीग्रेटेड काम करना चाहिए, लेकिन एक प्रिवेंटिव मैयर के लेवल पे भी करना चाहिए. फिर इस तरह से लोग अगर जॉब एजुकेशन या जर्नल रूटीन लाइफ में कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं, कैसे हेल्थ कर सकते हैं, वो अवेयरनेस कंपेन की जरूरत होनी चाहिए. जी मैंने जिस तरह से पहले बात की थी तो मेरे नज़दीक हमें जो है एटलीस्ट जो हम कर सकते हैं एज इंडिविजुअल कि अपने अपने स्फीयर में जो है हम कोशिश करें कि हम लोग क्या चेंज लेकर आ सकते हैं. ठीक है, जिस तरह से मैं बात करूँ तो एज ए मेम्बर ऑफ सोसाइटी तो हमें जो है पहली बात इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये एक रियलिटी है जो एग्जिस्ट करती है. ठीक है, फिर हमें जो है ऐसे बिहेवियर्स को डिस्करेज करने की ज़रूरत है कि जो ट्रैफिकिंग का बायस बनते हैं. जैसे अगर मैंने पहले बात की कि इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फॉर एग्जांपल एक आप देखें बड़ा प्रोमिनेंट उसमें से रोल प्ले जो है वो करते हैं. इसी तरह से अगर आप देखें कि अब ये बैगरी के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक किया जाता है और हम लोग जो हैं बगैर स्पीकर समझे जो हैं हम लोग जो हैं वो लोगों को पैसे देते हैं, तो उससे हम लोग अपनी तरफ से तो हम लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं, बट रियलिटी में क्या हो रहा है कि जो के अंदर जो माफिया जो है वो इन्वॉल्व है जो ट्रैफिकर, हम लोग उनको जो है वो रीइंफोर्स कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं. तो हमें अपने बिहेवियर्स जो हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है. और फिर अगर हमें लगे कि हमारे आसपास में से कोई इस तरह से है कि जिसके साथ जाती है तो हमें रिपोर्ट करने की ज़रूरत है. ठीक है, जिस तरह से अगर कोई बच्चा है तो उस बच्चे के साथ जो है उसको जाती जा रही है या डेड बॉन्डेज में कोई इन्वॉल्व है, तो हमें जो है एज ए इंडिविजुअल एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करने की ज़रूरत है. हमें ज़रूरत है कि हम उसको जो है वो हाईलाइट करें. ठीक है, इसके अलावा हमें जो है अपने अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली, जिस तरह से मैं एकेडमिक्स में हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मेरा ये काम है कि मैं जो है वो ट्रैफिकिंग के बारे में जो है उसके डिफरेंट डायमेंशन पर जो मेरा बहुत इंटरेस्ट भी है इसके डिफरेंट डायमेंशन हैं उस पर रिसर्च करूँ और उनको शेयर करूँ. ठीक है, किसी भी तरह से चाहे वो आर्टिकल हो, बुक्स हों, चाहे वो डिस्कशन हो, ठीक है कि मैसेज जो है वो सब तक जो है वो पहुँचे. और मैं जो है स्पेशली जो है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है थ्री ग्लोबल फाउंडेशन और उसको जो है स्पेशली जो है मदबुल्ला साहब आपको मिस मैर आपको अप्रिशिएट करूँगा आप लोगों की एफर्ट्स को कि आपने जो है आज का जो है ये इंटरेक्टिव सेशन जो है वो अरेंज किया है. ठीक है ना, इसी तरह से जो है हम लोग इश्यूज को डिस्कस करते हैं और जो लोग जो हैं प्रोग्राम को देखेंगे सुनेंगे बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पता नहीं होगा और उन तक भी जो है ये चीज़ जो है वो पहुँचेगी. तो हम लोग जिस जिस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं जिस जिस स्फीयर में हैं हमें चाहिए कि हम लोग जो है अपना जो है वो रोल प्ले करें. ठीक है, तो चाहे वो मीडिया के लोग हैं तो उनको चाहिए कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बात करें,
साइकोलॉजिस्ट हैं तो उनको चाहिए कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के हवाले से बात करें. एनजीओ हैं तो उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा पब्लिक अवेयरनेस और पर्टिकुलरली ग्रास रूट लेवल पे जो है, जहाँ से जो हमारे जो डिसएडवांटेज पर्टिकुलरली एरियाज हैं जो कि ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, जहाँ पर ट्रैफिकिंग फोकस करते हैं, वहाँ पर लोगों को जो है वो जाएँ, मैसेज कम्युनिकेट करें. और एंड पे मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को जो है इस पर लीड करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो है देखें, जो जब बात पॉलिसीज की करते हैं, जब रिसोर्सेज की करते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो है फिर गवर्नमेंट को जो है वो अपना रोल प्ले करना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट को जो चाहिए कि उसमें से जो है इस पर थोड़ा सा जो है वो एक्टिव रोल जो है वो प्ले करें, उसमें जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करें, और इसमें जो है एक कम्प्रीहेंसिव जो है एक प्लान लेके आए जिसके थ्रू जो है हम लोग ये लॉ जो है हमारा एक अच्छा लॉ हमने बनाया 2018 में, उसको जो है हम लोग बेहतर तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें. जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. अच्छा इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली ग्रेटफुल से ग्लोबल, जिन्होंने एक ऐसे इशू के ऊपर, जैसे अभी डॉक्टर फरहान भी बात कर रहे थे कि ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता, और शायद जब वो डे के हवाले से अगर बात करें तो मीडिया पे भी हमें कम चीज़ें नज़र आती हैं इसके हवाले से. और इसी तरीके से जो करने का काम करने की ज़रूरत है, और एज़ फार एज एन जी ओज आर कंसर्न, मैं उस हवाले से बात करूँगा कि अभी बाकी जगहों पे तो हम शायद बहुत आगे चले गए. हम आईसी मटेरियल डेवलप करते थे, हम बिहेवियर चेंज की तरफ चले गए, चेंज टॉक के ऊपर बात होना शुरू हो गई, लेकिन यहाँ अभी हमें बिल्कुल आगाज़ करने की ज़रूरत है. आईसी मटेरियल जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस कैंपेन ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है. इसी के साथ साथ जो एडवोकेसी कैंपेन हैं गवर्नमेंट के साथ और दूसरी एजेंसीज के साथ, उसको करने की ज़रूरत है. और ये वो चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल जो पहला स्टेप साबित होंगी आगे चीज़ों को लेके चलने की. और एनजीओ जैसे आप से ग्लोबल की बात कर रहे हैं या कोई दूसरे, तो वो तमाम के तमाम जो है ग्रास रूट लेवल प्लस एकेडमिया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो ख़ास तौर पे एमफिल के स्टूडेंट्स मैं कहूँगा, वो इसके ऊपर रिसर्च कर सकें कि ट्रैफिकिंग के हवाले से. तो आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम सॉरी आई हैव गॉट अनदर मीटिंग, सो आई विल बी सेइंग गुड बाय एट ओवर हियर. तो बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब, सुमेरा आपका और बाकी तमाम टीम का बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच, आप सबकी एक आप सबके पॉइंट ऑफ व्यूज, आप सबकी डिस्कशन, इट वाज वेरी ग्रेटफुल. और इससे मुझे पर्सनली इट वाज इंफॉर्मेटिव फॉर मी, और आई होप कि जो भी हमें ज्वाइन करेंगे और जिन लोगों ने ये सुना और देखा, तो सबके लिए ये डिस्कशन इंफॉर्मेटिव और वो इससे इनके लिए हेल्पफुल होगी. और मैं सबका दिल से थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने टाइम निकाला, हमें ज्वाइन किया और अपने कीमती और अपॉइंटमेंट्स हमारे साथ शेयर की. और इसी के साथ मैं चाहूँगी कि हम प्रोग्राम डिस्कशन को वाइंड अप करें, और मैं इंडिविजुअली डॉक्टर करना चाहूँगी, डॉक्टर मिस फायदा सफदर का थैंक यू जो हमें ज्वाइन किया और हमारे लिए अपने टाइम निकाला, डॉक्टर फरहान नवीद आपका बहुत शुक्रिया. और इसी तरह इसी के साथ हम इस पैनल डिस्कशन को एंड करते हैं, एंड होप कि इसका पर्पस जो था कि इट कैन हेल्पफुल हेल्प द सोसाइटी और पब्लिक के लिए हेल्पफुल हो, तो आई होप ये हेल्पफुल होगी. और इट वाज ग्रेट एंड अमेजिंग, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया. ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.